फ्रेंड्स, आई एम मधु। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे जो कि सीबीएसई ने रिलीज किया है। तो ये आपका प्रैक्टिस पेपर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक टाइप से आपका पेपर लीक हो चुका है, बिकॉज इस प्रैक्टिस पेपर में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। इस प्रैक्टिस पेपर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इस लेवल के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, इसीलिए इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आज हम पूरा प्रैक्टिस पेपर अच्छे से सॉल्व करेंगे, हर एक क्वेश्चन को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे विद सॉल्यूशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड स्टार्ट करते हैं, तो इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। तो आपका टाइम 3 आवर्स है, यू हैव 3 आवर्स फॉर दिस, एंड आपके 80 मार्क्स का ये पूरा आपका प्रैक्टिस पेपर है। इंस्ट्रक्शंस हैं 50 मिनट आपको मिलेंगे रीडिंग के लिए, एंड देन द क्वेश्चन पेपर कंटेन तीन सेक्शन है, रीडिंग, ग्रामर एंड राइटिंग एंड लिटरेचर। ठीक है, अटेम्प्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, एंड बीच में आपको इंस्ट्रक्शंस गिवन है, चॉइस गिवन है, तो उस हिसाब से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द सेक्शन ए विच इज रीडिंग स्किल्स। तो इसमें हम अपने पैसेज करेंगे। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, सेक्शन ए में आपके टोटल 2 पैसेजेस हैं, दोनों को सॉल्व करने वाले हैं। 10 क्वेश्चन हर एक पैसेज से रिलेटेड पूछे गए हैं। तो पहला पैसेज रीड करते हैं, सेक्शन ए है हमारा। सो रीड द पैसेज गिवन बिलो। तो ये पूरा पैसेज आप रीड करोगे, इसका एक सारांश मैं आपको बता देता हूं। इसमें आपको कुक बुक्स के बारे में बेसिकली बताया गया है। कुक बुक्स क्या होती है, मतलब आपकी जो रेसिपी बुक्स होती है ना, जिसमें कोई भी चीज बनानी हो, जैसे समोसे बनाए, तो समोसे बनाने के लिए क्या क्या इंग्रीडियंट्स आपको चाहिए, कैसे आप बनाते हो, पहले आपको क्या करना है, आटा बनाना है, उसका शेप बनानी है समोसे की, फिर उसके अंदर आलू डालना है, फिर उसे तलना है। तो ये जितने भी स्टेप्स हैं कुक बुक में लिखे होते हैं। ठीक है, अभी तो हालांकि हम देखते हैं सोशल मीडिया पे इतने सारे कुकिंग के चैनल बन चुके हैं, वहां पे आपको सब कुछ बना के दिखाते हैं, साथ सभी को लाइव दिखाते हैं कि कैसे बनता है। तो बहुत इसमें चेंजेस आए। पहले कैसे होता था, पहले बुक्स में इंक से लिखा जाता था, अभी के समय में सोशल मीडिया इसमें क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ये सब कुछ आपको इन कुछ पैराग्राफ्स में डिस्कस किया गया। टोटल आपका आई थिंक 5 पैराग्राफ्स हैं इस पहले पैसेज में, 10 क्वेश्चन पूछे हैं। स्टार्ट करते हैं भाई पहले क्वेश्चन के साथ हमारा है। सो बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चंस बिलो। तो देखो ये अच्छा तरीका होता है कि आप ना जैसे ही पेपर आए पैसेज ना पढ़ो, लाइन बाय लाइन पढ़ने से अच्छा आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आओ। क्योंकि क्वेश्चन में, जैसे इस क्वेश्चन में आप देखो पैराग्राफ 1 से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो फिर आप ऊपर जाओ पैराग्राफ 1 को रीड करो और उसमें आपको जरूर आंसर मिलेगा उसका। ठीक है, तो ये तरीका बेस्ट रहता है, आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ जाओ। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन पढ़ते हैं पहला। द सर्च इज डन बाय एग्जामिनिंग द ट्रेजर ऑफ ट्रोव ऑफ अ डॉक्यूमेंटेड पास्ट, दिस आल्सो होल्ड्स ट्रू फॉर द हिस्ट्री ऑफ फूड। बिल्कुल ये सही बात है कि भाई जो हमारी जो आप हम देखते हैं हिस्ट्री से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वैसे यहाँ पे कुक बुक्स की बात करें तो वहां पे पहले के समय में हिस्टोरिक टाइम में कुक बुक्स में क्या लिखा जाता था उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसको एक टाइप से ट्रेजर से कंपेयर किया जा रहा है, वो खजाना है। जो कुक बुक्स है पुराने समय के, वो खजाना है हमारे लिए। ठीक है, तो व्हाई वुड द ऑथर रेफर द कुक बुक्स एज अ ट्रेजर ट्रोव, क्यों करेगा ऐसा ऑथर, क्यों उसे कंपेयर किया जा रहा है खजाने से। तो उसका रीजन आपको बताना है, पहले पैराग्राफ में इसका आंसर आपको मिलेगा। ऑप्शंस पढ़ते हैं, बिकॉज दे कंटेन रेसिपी फॉर रिच फूड, ये तो ऑब्वियस है, कुक बुक्स तो अभी भी आप परचेज करोगे उसमें भी आपको रेसिपी मिलेंगी, ये कोई रीजन नहीं है। बिकॉज राइटिंग देम रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी, दिस इज ऑल्सो नॉट अ रीजन। बिकॉज दे होल्ड अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट, ये रीजन है कि पुराने समय की जो कुक बुक्स थी उनके अंदर इतनी इंफॉर्मेशन है कि उस टाइम पर कैसा खाना बनता था, क्या तरीका होता था, क्या क्या उनके पास क्या था तरीके होते बनाने के, ये सब कुछ उस कुक बुक में लिखा होता है। हमें पता चलता है कि उस टाइम पर क्या कल्चर होता था लोगों का, बहुत कुछ पता चलता है। तो इसलिए उनके पास एक वेल्थ है, उस खजाने से इसलिए कंपेयर किया जा रहा है कि उसके अंदर हमें बहुत सारा नॉलेज और इंफॉर्मेशन पता चलती है पास्ट के बारे में, हिस्टोरिक टाइम के बारे में। ठीक है, तो यही आपको पहले पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया गया है। बिकॉज राइटिंग रेसिपीज कंसिडर एज अ रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस, ऐसी कोई बात नहीं है, रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस को इसका एक रीजन नहीं हो सकता कि हम कुक बुक्स को एक टाइप से खजाने से कंपेयर करें, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर, आई होप कोई डाउट आपको नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, आ जाओ। रेफर दी फॉलोइंग फ्रॉम पैराग्राफ 1, ये भी पहले पैराग्राफ में से क्वेश्चन है। मैंग शैन, ये कोई राजा था, एंड रिकॉर्ड ऑफ फूड कंज्यूम्ड इन कोर्ट, के भाई उनके दरबार में जो जो खाना बनता था, अलग अलग खाना बनता, पकवान बनते थे, तो वो जो उनका बनाने का तरीका होता था वो रिकॉर्ड करते थे, लिखते थे कि आगे आने वाली जनरेशन उनको पता चले कि हम अपना खाना कैसे बनाते थे, कितना अलग अलग वैरायटी का खाना हमारे कोर्ट में बनता था, तो ये उनका माना था। किंग नाला, ये इंडिया के कोई राजा है। पकाड्रम द ओल्डेस्ट बुक ऑन कुकरी, तो आई कैसे से प्रोनाउंस करेंगे पकाड्रम, ये एक बुक है, ओल्डेस्ट बुक है जिसमें इंडिया की रेसिपीज के बारे में लिखा गया था, इंडियन कुक बुक है ये। विच ऑफ द ऑप्शन डिस्प्लेस द मोस्ट लाइकली द रीजन द फर्स्ट कुक बुक वर फ्रॉम रॉयल हाउस होल्ड, भाई क्या रीजन था कि ज्यादातर जो शुरू
उनकी कुक बुक्स थी भाई जिसमें रेसिपीज लिखी थी वो राजाशाही परिवारों से मतलब आ रही थी। कोई गरीब जिसके पास कोई नॉर्मल पीजेंट या कोई नॉर्मल घर से बिलोंग करता हो वो कुक बुक्स को क्यों नहीं लिख रहा था, क्या रीजन हो सकता है इसका? द रॉयल्टी वॉज इन्वॉल्व इन द प्लानिंग ऑफ ऑल देयर मील्स। द रॉयल्टी यानी कि जो राजाशाही परिवार वॉन्टेड ऑर्डिनरी फॉल्क टू नो हाउ टू ईट लाइक किंग्स, ऐसा कोई रीजन नहीं था। रीजन ये था द रॉयल्टी हैड द रिसोर्सेज टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स डिशेज एंड डॉक्यूमेंट। उनके पास पैसा होता था कि वो अलग अलग पकवान बना सकते हैं, कोई भी नई डिश उन्होंने बनाई है तो उसको उन्होंने कैसे बनाई उसको लिख सकते हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज हैं। ठीक है, अगर कोई गरीब हो आप खुद सोच सकते हो कि भाई वो क्यों नई डिशेज बनाएगा, उसके पास पहले लिमिटेड खाना है, तो एक थोड़ा रीजन आप रिलेट कर सकते हो एंड इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर दी। ठीक है, रॉयल्टी हैड टू बी रेडी टू सर्व स्पेशल फूड टू फॉरेन विजिटर्स, ये इसका रीजन नहीं है। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा मोस्ट लाइक रीजन है कि भाई कुक बुक ज्यादातर रॉयल हाउसहोल्ड से आती थी, तो रॉयल से क्यों आती थी, गरीब परिवार, उस रीजन से आपको यहाँ पे आंसर करना है। ठीक है, तो अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कुक बुक्स आर अ गाइडिंग लाइट, विच ऑफ दीज ऑप्शन यूज इज द सेम लिटरेरी डिवाइस एज द लाइन अबव। अब इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस है, मेटाफोर है। देखो मेटाफोर और सिमिली में यही फर्क है, सिमिली में हम एज और लाइक वर्ड का यूज करके कंपेरिजन करते हैं किसी चीज का, वहीं पे मेटाफोर में हम डायरेक्ट कंपेरिजन करते हैं कि भाई हमने कुक बुक्स को एक गाइडिंग लाइट यानी कि वो हमें गाइड करे कि उस टाइम पर कैसा कैसा खाना बनता था, तो हमने इसे डायरेक्ट कंपेयर करा है। यहाँ पे एज या फिर लाइक जैसे वर्ड्स का यूज नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें ऐसा यही सेम लिटरेरी डिवाइस मेटाफोर इनमें से कौन से सेंटेंसेज में यूज हो रहा है वो हमें बताना है। So this cake is the heaven of taste. तो यहाँ पे केक को heaven of taste से direct compare किया गया है, तो यही आपका answer होगा option number A। अब दूसरा पढ़ो। These grapes are as sweet as word का use हो गया है। These biscuits are delicious, they are the best। यहाँ पे कोई खास हम किसी चीज़ से direct compare नहीं कर रहे हैं biscuits, वो अच्छे हैं biscuits। इतना हम कह रहे हैं delicious है। This recipe was so interesting, it jumped right off the page। यहाँ पे भी किसी चीज़ का direct comparison नहीं हो रहा, जबकि हम cake को एक heaven of taste से direct comparison कर रहे हैं without the use of words like as and like। तो ये इसका आंसर होगा मेटाफोर है हमारा लिटरेरी डिवाइस, ऑप्शन नंबर ए है इसका। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। द ऑथर सेज कुक बुक्स आर अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड जेंडर स्पेसिफिक रोल स्टेट वन ऑफ द वेज हाउ कुक बुक्स कुड रिवील इंफॉर्मेशन ऑन जेंडर स्पेसिफिक रोल्स, कि भाई कोई भी जेंडर मेल है तो वो ये काम करेगा, फीमेल है तो खाना बनाएगी, तो ये एक कुक बुक की हेल्प से हमें कैसे पता चल सकता है कि जेंडर स्पेसिफिक रोल्स उसमें दिखाए जा रहे हैं, वो दर्शाए जा रहे हैं, वो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो ये आपके कौन से पैराग्राफ में, पैराग्राफ नंबर 2 में है, तो इसे एक बार ऊपर जाके रीड करते हैं पैराग्राफ 2 में क्या लिखा हुआ है। तो देखो ये पैराग्राफ 2 है, कुक बुक्स आर अ गाइडिंग लाइट दैट कैन टेक वन ऑन अ जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग ट्रेडिशंस एंड कल्चर। ऑब्वियसली स्कॉलर्स इन द पास्ट ऑल्सो बिलीव दैट कुक बुक्स आर अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नॉट ओनली टू अंडरस्टैंड सोशल और जेंडर स्पेसिफिक रोल्स बट ऑल्सो मटीरियल फैक्टर्स सच एज ट्रेड एंड नेटवर्क। तो यहाँ पे बात है कि कुक बुक से हमें जेंडर स्पेसिफिक रोल्स का तो पता चलता ही है कि भाई कोई कुक बुक है उसे किसी मेल ने लिखा है तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि उस टाइम पर फीमेल्स की एजुकेशन पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता, ज्यादातर बस मेल्स को ही लिखना आता था, इसीलिए ज्यादातर जो कुक बुक्स होती थी, तो इससे हमें आइडिया आया, इससे हमें जेंडर स्पेसिफिक रोल्स का पता चला। अब वहीं पे कोई कुक बुक है वो किसी फीमेल ने लिखी है और उस टाइम पर जितनी कुक बुक्स का परचेज हो रहा था वो भी फीमेल्स खरीद रही थी, तो हमें पता चल रहा है कि जो कुक बुक्स थी उस टाइम पर फीमेल्स द्वारा लिखी जाती थी और जो फीमेल्स थी वो इंटरेस्टेड थी इन बुक्स को परचेज करने में, नई नई रेसिपीज ट्राई करने में, तो ये हमें पता चल रहा है यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक रोल्स का फ्रॉम दीज कुक बुक्स। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, अब इसका आंसर देखते हैं। तो देखो फ्रेंड्स ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था, कुक बुक्स एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जेंडर स्पेसिफिक रोल्स को जानने के लिए। इसका देखो कुकिंग रिलेटेड टास्क वर मोस्टली परफॉर्म बाय वुमेन सो कुक बुक्स मे हैव बीन, देखो ये एस्टीमेट है, ये एस्टीमेट है, हम कंफर्म नहीं कर सकते ऐसा होता था। अब हम ऐसे अगर हम एक आइडिया लगा रहे कि अगर एक कुकिंग रिलेटेड बुक है अगर उसे किसी वुमेन ने लिखा है सो कुक बुक्स मे हैव बीन रिटन बाय वुमेन फॉर अदर वुमेन, भाई दूसरी वुमेन उसे परचेज करती थी, वुमेन उसे लिखती थी, तो इससे हमें ये आइडिया है। अब सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा आपको पैसेज में तो लिखा नहीं हुआ, आपको खुद ही आंसर फॉर्म करना होगा। अब ऐसे भी कोई स्टूडेंट सोच सकता है कि ऑथर ऑफ द कुक बुक्स रिटन इन द पास्ट में है मोस्टली बीन एज मेन, ज्यादातर जो राइटर होते होंगे ना कुक बुक्स के वो मेन होते होंगे, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि उस टाइम पर जो एजुकेशन थी वो मेन को ही मिलती थी। आप यहाँ पे सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। एज ओनली दे वर टॉट टू राइट, कि भाई उन्हें ही सिखाया जाता कैसे लिखते थे, वुमेन को लिखना भी नहीं आता था उस टाइम पर, ये हम बता सकते हैं। तो इससे हमें कुक बुक से ये आइडिया आता है जेंडर स्पेसिफिक रोल्स का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका। ठीक है, प्रोवाइड एनी वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ कुक बुक्स कैन बी अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेड एंड नेटवर्क। अभी हमने पैराग्राफ नंबर 2 में ये भी पढ़ा ना कि एक ट्रेड एंड नेटवर्क में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कुक बुक्स, कैसे उसका रीजन आपको देना है। एनीवन, यहां पे देखो सीबीएसई ने आपको दो रीजन दिया, आप इनमें से कोई एक रीजन लिख सकते हो। पहला पढ़ते हैं, द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन द कुक बुक्स कुड रिवील द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज फॉर अ कम्युनिटी, कि आपको कहीं से कोई कुक बुक मिली है जो कि बहुत पुराने समय की है तो आपको उससे पता चलता है कि उस टाइम पर जो लोग थे वो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स का यूज करके अपना खाना बनाते थे, क्या क्या उनके पास अवेलेबिलिटी होती थी, तो इस चीज का हमें आइडिया आता है।
जाता है दी एसेस टू रिसोर्सेज थ्रू दिस ट्रेड. अब इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं. द टाइप ऑफ क्यूजिन डिस्क्राइब्ड इन अ कुक बुक कुड रिवील द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेडिंग विद अदर रीजंस. कि भाई किसी भी रीजन की जो कुक बुक थी उसका वहां पे जो जो पकवान बनते अलग अलग टाइप का खाना बनता था उसका इफेक्ट ट्रेड पे भी पड़ता था. वही खाने को फिर दूसरे कंट्रीज तक लेके जाता था. तो ये भी ट्रेड में कुक बुक्स का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा होगा. ठीक है, ये जस्ट हमारे प्रेडिक्शंस हैं. ठीक है, तो ये हो गया, इनमें से एक पॉइंट आप लिख सकते हो. अब सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं. कंप्लीट द फॉलोइंग विद अ फ्रेज फ्रॉम पैराग्राफ 3. तो पैराग्राफ 3 एक बार देखते हो ऊपर जाके. तो ये रहा आपका पैराग्राफ नंबर 3. इस पैराग्राफ में आपको एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसका मीनिंग हो ग्रेजुअल प्रोग्रेस फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर. कि भाई आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हो. पहले आप इस स्टेज पे थे, फिर आपने और मेहनत करी, आप दूसरे स्टेज पे गए. तो इसको कोई एक इससे रिलेटेड वर्ड आपको इस पैराग्राफ में ढूंढना है. भाई बहुत ईजी होता है ऐसे क्वेश्चन. देखो, सो हाउ वट कुड बी कंसिडर्ड अ कुक बुक इन आवर मॉडर्न सोसाइटी. इट हैज बीन नोटेड रिसेंटली दैट देयर इज अ सर्ज इन द नंबर ऑफ इंफोटेनमेंट एंड डॉक्यूमेंट्री प्रोग्राम्स अबाउट फूड. रेसिपीज आर नो लॉन्गर जस्ट अबाउट कुक बुक. ध्यान से पढ़ना, कोई भी वर्ड हो सकता है. इन फैक्ट अ न्यू ब्रीड ऑफ इंडियन कल्नरी एक्सपर्ट्स आर कुकिंग देयर वे टू सेलिब्रेट स्टेटस एंड देयर अचीविंग दिस वाय सोशल मीडिया एज दे डिमेंसिफाई इंडियन क्यूजिन एंड ऑफर स्टेप बाय स्टेप. वर्ड मिल चुका है. एज दे ऑफर स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस. स्टेप बाय स्टेप का यही तो मतलब होता है, जब आप ग्रेजुअली एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे बढ़ते हैं. बहुत सिंपल था, तो यही आपका आंसर होने वाला है. स्टेप बाय स्टेप आ जाते हैं वापस. तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर देखो 4. ये तो हमारा पैराग्राफ है. फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, सेकंड, थर्ड, और ये हमारा फोर्थ भी कर लिया. फिफ्थ क्वेश्चन हमने कर लिया. प्रोवाइड वन एग्जांपल ऑफ हाउ कुक बुक्स कैन बी अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेड एंड नेटवर्क. सिक्स्थ का ये हमारा क्वेश्चन था ग्रेजुअल प्रोग्रेस फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर. इससे रिलेटेड हमें कोई वर्ड बताया था पैराग्राफ नंबर 3 में, और वो वर्ड है स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप इसका आंसर हो गया. अब सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं. द सोशल मीडिया शेफ्स आर हेयर टू स्टे. तो यहाँ पे एक आपको कॉन्फिडेंट अंदाज दिख रहा है कि भाई यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 4 रीड करते हैं तब हमें क्लियर होगा अच्छे से. The social media chefs are here to stay. No longer does any amateur हो. Amateur यानी कि जो अभी शुरू किया उसने किसी ने. भाई अभी नया नया मैंने खाना बनाना सीखा है तो उसे amateur कहते हैं. Home chef have to struggle with trying to understand what exactly. यानी कि अब यहाँ पे social media पे हम देखते हैं, आप normally shorts देखते हो तो वहाँ पे इतना कुछ खाने के related shorts आते हैं. तो इससे हमें पता चल रहा है कि अब जो chefs हैं वो cook books पे नहीं, यानी कि सिर्फ लिखित रूप में यहाँ पे नहीं हो रहा है. यहाँ पे social media पे आपको अलग अलग videos मिल रहा है. आपको कोई रेसिपी सीखनी है तो आप एक मिनट में सर्च करके आपको इतने सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि आप उस रेसिपी को आराम से सीख सकते हो. लोग आपको, जो शेफ्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे. तो यहाँ पे यही तो है, द सोशल मीडिया शेफ्स आर हियर टू स्टे. भैया यहाँ पे कॉन्फिडेंट अंदाज से बोला जा रहा है कि अब आपको एक जो नया नया शेफ बनना चाहते हो उसको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज इतने सारे हैं, इतने सारे वीडियोस हैं, इतने सारे मतलब आप कह सकते हो ना जो कहते हैं ट्यूटोरियल्स हैं कि कोई भी चीज कैसे बनानी है. तो इसीलिए अब यहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंट अंदाज में यहाँ पे बोला जा रहा है कि अब कोई भी एमएचओ जो नया अपना करियर मान लो बनाना चाहता है शेफ में खाने बनाने में, तो वो स्टार्ट कर सकता है. कोई भी ऐसा है नहीं कि भाई रिसोर्सेज बहुत कम है, रिसोर्सेज बहुत है सोशल मीडिया पे. ठीक है, तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है. तो इस सेंटेंस में आपको क्या, देखो सेंटेंस में पूछा है कि द विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब द टोन. इस सेंटेंस में आपको टोन क्या दिख रही है, तो टोन है आपका कॉन्फिडेंट. यहाँ पे कॉन्फिडेंट अंदाज में बोला जा रहा है सेंटेंस को. ठीक है, अब अगला सेंटेंस देखो, अगला क्वेश्चन देखो, सेवेंथ है. एट क्वेश्चन है आपका, बेस्ड ऑन द पैसेज स्टेट एनी टू रीजन व्हाई मोर इंडियंस आर एक्सप्लोरिंग द आर्ट ऑफ कुकिंग. जो इंडियंस है वो, अब देखो ये क्वेश्चन आप रीड करोगे यहाँ पे आपको आंसर पैसेज में मिल जाएंगे. अगर आप अपने कॉमन सेंस से भी सीखो तो अभी आप देख रहे हो कि हम कोई भी हो वो फूड की तरफ उसका इंटरेस्ट क्यों बढ़ेगा. उसका रीजन यही होने वाला है कि हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे इतने सारे शेफ्स आ चुके हैं, वो हमें सिखाते हैं नई नई रेसिपी कैसे बनाने, वो हमें स्टेप्स बताते हैं. तो इससे जो लोगों का इंटरेस्ट है वो और ज्यादा कुकिंग तरफ बढ़ रहा है, खासकर इंडिया में. तो इसके रीजन देखते हैं क्या हो गए. देखो, सो दिस इज आवर एट क्वेश्चन, आ जाओ. तो एट क्वेश्चन का देखो रीजन हमें दो बताने. पहला होगा बिकॉज ऑफ द राइज इन द नंबर ऑफ शोज एंड डॉक्यूमेंट्री अबाउट फूड. हम यूट्यूब पे देखते हैं इतने सारे शोज, इतने सारे डॉक्यूमेंट्री, इतने सारे रेसिपी के वीडियो हमें मिल जाते हैं. तो ये इसका एक रीजन है कि भाई ग्रोइंग पॉपुलैरिटी का रीजन है ये टूवर्ड्स कुकिंग इन इंडियंस. ठीक है, इसी का सेकंड रीजन आप देखो यहाँ पे सीबीएसई ने आपको टोटल 4 रीजन दिए हैं और आपको सिर्फ 2 रीजन इसमें से लिखना है. सो बिकॉज ऑफ द ईज ऑफ सोशल मीडिया, ये भी सोशल मीडिया से रिलेटेड पॉइंट है. एंड एक्सेस टू रेसिपी, आप यूट्यूब पे एक सर्च करो आपको इतने सारे रेसिपी के वीडियोज मिल जाएंगे, ये इसका रीजन है. बिकॉज फॉलोइंग वीडियो इज इजियर देन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड टेक्स्ट इन अ कुक बुक. आप एक बुक में पढ़ोगे कि एक रेसिपी को कैसे बनाया जाता है और वहीं आप एक वीडियो देख रहे हो जहां पे लाइव वो आपको बना के दिखा रहा है कि इस खाने को कैसे बनाया जाता है, समोसे कैसे बनाए जाते हैं, तो वो एक बहुत इजी हो गया. इसीलिए अब लोगों का इंटरेस्ट इसमें और बढ़ रहा है. तो अगर आप यहां पे पॉइंट्स को रीड करोगे, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं, जो नॉर्मल लाइफ में हम अपने सेंटेंसेस बोलते हैं वही इसका आंसर में आपको लिखना है. बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ शेफ्स ऑन सोशल मीडिया प्रोवाइडिंग इजी स्टेप बाय स्टेप कुकिंग इंस्ट्रक्शन. लगभग सारे सेम पॉइंट्स हैं, बहुत इजी हैं. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन है.
इन द पैसेज विच ऑफ दीज इज नॉट सजेस्टेड, नॉट वर्ड का यूज हुआ है, सजेस्टेड एज अ रीजन फॉर पीपल पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया अबाउट द फूड दे कुक्ड, यानी कि मैंने कोई नया खाना बनाया, जैसे मैंने कोई नई रेसिपी ट्राई करी है तो मैंने उसे सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, ठीक है। तो इनमें से कौन सा इसका एक रीजन नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। सो देखो, टू शेयर दैट दे हैव कंप्लीटेड टास्क, ये तो एक रीजन है ना कि भाई मैंने खाना बनाना सीखा है तो मैं उसे पोस्ट कर रहा हूँ कि मैंने ये सीख लिया है, तो मैं एक टाइप से अकम्प्लिश कर दिया एक टास्क, ये इसका रीजन है, बिल्कुल है। हमें बताना कौन सा रीजन नहीं है। टू मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल दैट दे हैव कुक्ड, ये भी इसका रीजन है, भाई मैं 10 रेसिपी बना दूं तो मेरे पास 10 की 10 रेसिपी की मैं फोटोज है जो मैंने सोशल मीडिया पर डाली है, तो एक रिकॉर्ड है मेरे पास, ठीक है। अगला, टू एक्सप्लेन द स्टेप्स दे यूज फॉर मेकिंग द डिश, ये भी एक रीजन है, बिल्कुल है। डीप पढ़ते हैं, टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग देयर फॉलोअर्स, ये इसका रीजन नहीं है। मेरे को जो लोग फॉलो करते हैं अच्छी बात है, वो मेरी रेसिपीज को फॉलो करते हैं, वो भी ट्राई करते हैं, लेकिन इनमें कोई कॉम्पिटिशन तो नहीं बढ़ रहा है, इसमें तो कम्युनिटी और अच्छे से बढ़ रही है, ग्रो हो रही है, ठीक है। तो डी आपका करेक्ट आंसर, दिस इज नॉट अ रीजन फॉर पीपल पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया अबाउट द फूड दे कुक्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, विच इज क्वेश्चन नंबर, तो हमने 9th क्वेश्चन कर लिया, लास्ट क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। राइट एन एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर दिस पैसेज, तो अगर आप पैसेज को इसमें ना पढ़ लेना, पूरे पैसेज को पढ़ लेना, एक आइडिया आ जाएगा उसमें क्या लिखा है। तो मैंने आपको बता दिया ये पूरा पैसेज किसके बारे में, कुकबुक से बारे में, उसकी हिस्ट्री आपको बताई गई है, सोशल मीडिया पे क्या ग्रोइंग पॉपुलैरिटी है कुकिंग की, उसमें क्या क्या फायदा है उसका, लोगों का इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों बढ़ रहा है, तो इसका टाइटल आप लिख सकते हो। या फिर देखो यहाँ पे दो टाइटल बताए सीबीएसई ने, रोल ऑफ कुकबुक्स या फिर द इंपॉर्टेंस ऑफ कुकबुक्स, ये आप टाइटल लिख सकते हो इसका। अब फ्रेंड्स बढ़ते हमारे नेक्स्ट पैसेज की तरफ, हमारा पहला पैसेज था, अब देखते हैं अपना दूसरा पैसेज, तो ये हमने कर लिया, नाउ लेट्स रीड द सेकंड पैसेज। सो फ्रेंड्स अब सेकंड पैसेज सॉल्व करते हैं, तो देखो सेकंड पैसेज में यहाँ पर हमें वीडियो गेम्स के बारे में बताया कि वीडियो गेम्स खेलने से एंटरटेनमेंट हमें मिलता है एंड इसके काफ़ी सोशल एंड साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, ठीक है। तो वीडियो गेम्स के बारे में पूरा यहाँ पर बताया है, ये यहाँ पर 4 पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। यहाँ पर ये टाइप्स ऑफ गेम्स हैं एंड लोगों ने किन फैक्टर्स के बारे में उनको, मतलब उनको रेट किया एक टाइप से कि वो चैलेंजिंग कितने हैं, फ्रेंड्स के साथ खेलने में वो कितने ज़्यादा इंटरेस्टिंग है या फिर उनमें मज़ा कितना आता है, तो ये अलग अलग फैक्टर्स के बेसिस पर टाइप्स ऑफ गेम्स को लोगों ने रेट भी किया। तो ऐसे ये वीडियो गेम्स को लेकर ये पूरा का पूरा पैसेज है हमारा, ठीक है। क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं, फिर हम अपने आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा है, बेस्ड ऑन द पैसेज स्टेट एनी 2 रीजंस व्हाई वी नीड टू स्टडी वीडियो गेम्स। तो पैसेज के बेसिस पर आपको बताना है कि हमें वीडियो गेम्स को स्टडी करना जरूरी क्यों है, हमें वीडियो गेम्स को क्यों स्टडी करना चाहिए। तो सबसे पहला रीजन तो स्टार्टिंग वाली लाइन में लिखा है कि वीडियो गेम्स से एंटरटेनमेंट मिलता है, इसके काफी सोशल एंड साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। एंड देखो वीडियो गेम्स खेलने से एडिक्शन भी होती है, तो एडिक्शन को समझने के लिए किन किन फैक्टर्स एडिक्शन होती है वो समझने के लिए हमें स्टडी करने की जरूरत है, ठीक है। एंड देन हमें स्टडी करने की जरूरत है, रिसर्चर्स हैव नोटेड दैट द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड प्लेइंग इज नॉट नेसेसरली अ कोर इंडिकेटर ऑफ इंडिकेशन, इंस्टेड सेवरल फैक्टर्स सच एज हाउ फन और चैलेंजिंग अ गेम इज और बीइंग एबल टू प्ले विद फ्रेंड्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स, ठीक है। तो देखो जब हम वीडियो गेम्स के बारे में समझेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे एडिक्शन होती है, ठीक है, एंड कैसे उन फैक्टर्स को अवॉइड किया जा सकता है, कैसे हम एडिक्शन को रोक सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वीडियो गेम्स की स्टडी करी जाती है। तो यहाँ पर आंसर आपको मार्किंग स्कीम में प्रोवाइडेड भी है, हम साथ साथ में आंसर भी देख लेते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर ये स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था, इसमें से आप कोई भी 2 फैक्टर्स यहाँ पर लिख सकते हो। पहला फैक्टर है वीडियो गेम्स नीड टू बी स्टडी टू बेटर अंडरस्टैंड देयर पॉजिटिव इफेक्ट्स, बिकॉज वीडियो गेम्स पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं, इसके काफी साइकोलॉजिकल एंड सोशल रिवॉर्ड्स मिलते हैं, एंटरटेनमेंट मिलता है, ठीक है। तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स को समझने के लिए भी वीडियो गेम्स को स्टडी करना चाहिए, तो ये एक फैक्टर हो गया, ठीक है। और दूसरा फैक्टर आप लिख सकते हो कि अदर फैक्टर्स दैट कुड इंक्रीज एडिक्शन टू अ गेम नीड टू बी अंडरस्टूड, ऐसे फैक्टर्स जिनसे एडिक्शन बढ़ता है उनको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, तो इस वजह से भी हमें गेम्स को, वीडियो गेम्स को स्टडी करना चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए। एंड तीसरा फैक्टर, कोई 2 आपको लिखने, इनमें से कोई भी 2 आप लिख सकते हो, इफ वीडियो गेम्स आर अंडरस्टूड बेटर steps can be taken to prevent addiction. अगर हम वीडियो गेम्स को अच्छे से समझते हैं, उनमें उसके बारे में स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो फिर हम एडिक्शन को प्रिवेंट करने के लिए भी स्टेप्स उठा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हमें वीडियो गेम्स को स्टडी करना चाहिए। तो इनमें से कोई भी 2 फैक्टर्स आप लिख सकते हैं अपने आंसर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है, लाइला स्पेंड्स 2 आवर्स अ डे प्लेइंग गेम्स ऑन हर फोन अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इज दिस इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट टू से शी इज एडिक्टेड टू वीडियो गेम्स, व्हाई नॉट आंसर इन 1 सेंटेंस। तो देखो लाइला अपने फोन में 2 घंटे दिन में वीडियो गेम्स खेलती है, तो क्या इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर हम ये बोल सकते हैं कि वो एडिक्टेड है? हाँ, उसका हमें, हाँ, अगर हमारा आंसर येस है या फिर नो है तो उसका हमें रीजन भी बताना है, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स पैराग्राफ देख लेते हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग में ही पैराग्राफ 1 में ही हमें बता रखा है, ये लाइन लिखी हुई है कि
Researchers have noted that number of hours spent playing video games is not necessarily a core indicator of addiction. मतलब एक number of hours से मतलब कितने घंटे कोई इंसान video game खेल रहा है इससे हम नहीं बोल सकते कि वो addicted है या नहीं. ये core indicator नहीं है. और दूसरे factors भी responsible हैं, ज़रूरी हैं. उन्हीं से हम पता कर पाएंगे कि वो इंसान असल में addicted है या नहीं. ठीक है, सिर्फ number of hours से हम ये नहीं बोल सकते that a person is addicted or not. ठीक है, तो यहीं पर हमें अपना answer मिल गया. Instead, several factors such as how fun or challenging game is or being able to play with friends are also important determinants. ये भी factors हैं, ये भी ऐसे determinants हैं जिनसे हमें पता चलता है कि एक इंसान addicted है भी या नहीं. ठीक है, तो इसका आप answer करोगे कैसे एक sentence में? एक sentence में इसका आप answer कर दोगे that no, she is not addicted as there are other factors that need to be considered to determine addiction. ठीक है, एक sentence में आप इतना answer कर सकते हो. या फिर आप दूसरा sentence मतलब ये या तो ये sentence लिख सकते हो या फिर ये दूसरा sentence लिख सकते हो. No, she is not addicted because the amount of time spent on a game is not the only factor to determine addiction. कैसे भी आप लिख सकते हो, या फिर ऐसे या फिर ऐसे. एक sentence में आप अपना answer कर दोगे. ठीक है, तो ये हमारा हो गया second question. अब third question देख लेते हैं. ओके, सो थर्ड क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी करेक्टली विद अ वर्ड फ्रॉम पैराग्राफ वन. तो पैराग्राफ वन में से ही है ये क्वेश्चन, हमें ये एनालॉजी कंप्लीट करनी है. तो देखो, फ्लोरिशेस ग्रोस, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये सिनोनियम्स हैं, इनका जो मीनिंग है वो सेम सा ही है. फ्लोरिशेस का मतलब भी वो होता है ग्रो करना, जब किसी चीज़ में प्रोग्रेस होता है, वो कोई चीज़ एक्सपैंड हो रही है, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ फ्लोरिश. ओके, फ्लोरिश करना उसी को बोलते हैं. ग्रो करना, सिमिलर ही मीनिंग है दोनों वर्ड्स का. तो अब आपको ऐसा ही सिमिलर वर्ड ढूंढना है फैक्टर्स के लिए पैराग्राफ वन में से. कौन सा ऐसा वर्ड है पैराग्राफ वन में जो कि फैक्टर्स से सिमिलर है, उसके सेम मीनिंग जैसा ही है. तो पैराग्राफ वन में जाते हैं. तो पैराग्राफ वन में देखो, यहाँ पर हमने देखा था कि researchers have noted that number of hours spent playing video games is not necessarily a core indicator of addiction. Instead, several factors. फैक्टर्स यहाँ पर आ गया, लेकिन हमें उसी से सिमिलर एक और वर्ड ढूंढना है. सच एज हाउ फन और चैलेंजिंग अ गेम इज और बीइंग एबल टू प्ले विद फ्रेंड्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स. देखो, डिटरमिनेंट्स मतलब वो चीज़ें जो किसी चीज़ को डिटरमाइन कर रही है, रिस्पॉन्सिबल है. मतलब फैक्टर्स जैसा ही ये वर्ड है, सिमिलर मीनिंग है दोनों का. तो डिटरमिनेंट्स आएगा हमारा यहाँ पर. ठीक है, जैसे फ्लोरिशेज एंड ग्रोज का सेम मीनिंग है, ऐसे ही डिटरमिनेंट्स एंड फैक्टर्स का सेम मीनिंग है. ठीक है, तो यहाँ पर डिटरमिनेंट्स आ जाएगा एंड ऐसे आपकी एनालॉजी पूरी हो जाएगी. ठीक है, तो आपको ये भी दे रखा है कि कौन से पैराग्राफ में से आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको ज्यादा तो भटकने की जरूरत होगी नहीं, सीधा आप पैराग्राफ में जाके अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या है, बेस्ड ऑन पैराग्राफ वन इट कैन बी सेड दैट द लेवल ऑफ डैश एंड डैश इन अ वीडियो गेम डिटरमाइन हाउ एडिक्टिव इट कैन बी. तो पैराग्राफ वन के बेसिस पर ही हमें बताना है कि किस चीज़ पर ये डिपेंड करता है कि कितना उसका लेवल होगा, किस चीज़ पर ये डिपेंड करता है कि एक वीडियो गेम कितना एडिक्टिव होगा. विच ऑफ दीज कैन गो इन द ब्लैंक्स, इन ब्लैंक्स को कौन कंप्लीट करेगा, वराइटी, वॉयलेंस, डिफिकल्टी, पॉपुलैरिटी या इंजॉयमेंट. मतलब एक गेम कितना डिफिकल्ट है, उसमें कितना चैलेंज है, या फिर वो कितना पॉपुलर है, या उसमें कितना आता है, कौन सा ऐसा फैक्टर है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे डिसाइड होता है कि एक वीडियो गेम कितना एडिक्टिव होगा. तो पैराग्राफ वन में जाके देखते हैं. ओके, सो पैराग्राफ वन में यहां पर आप देख सकते हैं, researchers have noted that number of hours is not necessarily a core indicator. Instead, several factors such as how fun. ठीक है, तो fun वाली यहाँ पर enjoyment वाला आ गया कि enjoyment कितना मजा आ रहा है उस game को खेलने में, ये एक determinant है, ये एक factor है. ठीक है, जिससे पता चलता है कि ये game कितना addictive होगा. तो fun वाला point हमने देख लिया. Challenging, एक game कितना challenging है, कितना difficult है. ठीक है, तो fun and challenging ये दो चीज़ें. And और being able to play with friends, friends के साथ खेल सकते हैं उसको या नहीं, इस पर भी depend करता है कि वो game कितना एडिक्टिव है. ठीक है, आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स. तो ये तीन चीजें हमने देखी, हैविंग फन, चैलेंजिंग एंड बीइंग एबल टू प्ले विद फ्रेंड्स. इन तीनों फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है कि एक गेम कितना एडिक्टिव होगा. तो अब सही वर्ड्स देख लेते हैं जो उन ब्लैंक्स को फिल करेंगे. ओके, तो देखो यहाँ पर इनमें से आपको दो सही वर्ड सिलेक्ट करने हैं जो कि इन ब्लैंक्स को फिल करेंगे. सो वैरायटी की तो हमने कहीं बात करी ही नहीं. वॉयलेंस की भी हमने कहीं बात नहीं करी कि वॉयलेंस से डिसाइड होता है कि एक गेम कितना एडिक्टिव होगा, ऐसा कुछ नहीं है. डिफिकल्टी हमने चैलेंजिंग वर्ड देखा था, चैलेंजिंग डिफिकल्टी एक ही चीज़ है. तो उस पर भी डिपेंड करता है कि गेम कितना एडिक्टिव है. जितना गेम मुश्किल होगा, डिफिकल्ट होगा, चैलेंज उसमें होगा, तो फिर वो उतना ही एडिक्टिव होता है, उसको करने का, उसको सॉल्व करने का मन करता है. ठीक है,
पॉपुलैरिटी, नहीं पॉपुलैरिटी कहीं नहीं था, एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट हमने हैविंग फन ऊपर वो वर्ड देखा था, तो कितना मजा आता उस गेम को खेलने में, ये भी डिसाइड करता है. सो डिफिकल्टी एंड एंजॉयमेंट, ये दोनों बिल्कुल सही वर्ड्स हैं जो इन ब्लैंक्स को फिल करेंगे. सो थ्री एंड फाइव कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में. सो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्टडी मेंशनड इन द पैसेज यूज गेम रिव्यूज टू अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स अ गेम एडिक्टिव. स्टेट वन रीजन व्हाई गेम रिव्यूज वर एनालाइज फॉर द पर्पज ऑफ द स्टडी. ठीक है, तो इस पैसेज में, जो पैसेज में जो ये स्टडी मेंशनड है, इसमें गेम रिव्यूज का यूज किया गया ये समझने के लिए कि गेम कैसे एडिक्टिव बनता है. ठीक है, तो हमें एक रीजन बताना है कि गेम रिव्यूज क्यों एनालाइज किए जाते हैं इस स्टडी के लिए, मतलब गेम रिव्यूज एक टाइप से क्यों लिए जाते हैं, उसका रीजन आपको बताना है. ठीक है, तो आप देखो यहां पर पैसेज में देख सकते हो, यहां पर लिखा है कि स्टडी इन्वेस्टिगेटेड द reasons फॉर स्मार्टफोन एडिक्शन. दिस was डन by एनालाइजिंग द रिव्यूज ऑफ गेम्स. ठीक है, गेम्स पर जो रिव्यूज आते हैं उनको एनालाइज करके ये पता किया गया. ठीक है, रिव्यूज वर कलेक्टेड फ्रॉम गेम्स अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज इन एन ऐप स्टोर. अ टोटल ऑफ 25,200 रिव्यूज वर कलेक्टेड. ठीक है, कंटेनिंग रेफरेंस टू द गेम बींग एडिक्टिव. दीज रिव्यूज वर एनालाइज एंड द नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंट फैक्टर्स वर मेंशन फॉर टर्मिंग अ गेम्स एंड एडिक्टिव वॉज रिकॉर्डेड. तो ये गेम रिव्यू क्यों ले जाते हैं, बिकॉज देखो इतने सारे लोगों से रिव्यूज को कलेक्ट किया, उनके रिव्यूज लिए, उनके ओपिनियंस लिए. इतने ज्यादा रिव्यूज अगर हम एक इंडिविजुअल पर्सन के पास खुद जाके पूछेंगे तो कितना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, उसमें कितना ज्यादा टाइम लगेगा, कितना ज्यादा एफर्ट लगेगा, है ना. इसीलिए इन गेम रिव्यूज का, ये जो ऐप स्टोर पर आपको गेम के रिव्यूज मिल जाते हैं, उन्हीं को एनालाइज करके स्टडी कर ली जाती है. ठीक है, बिकॉज इसे कम टाइम कंज्यूम होगा. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हम मार्किंग स्कीम में देख लेते हैं. सो यहां पर आंसर हाँ, यहाँ पर ये आंसर लिखा है, गेम रिव्यूज वुड बी इजिली एक्सेसिबल, बिकॉज गेम रिव्यूज को एक्सेस करना ईजी है. हर एक गेम के नीचे उसके रिव्यूज आपको मिल जाते हैं जो लोग मेंशन करते हैं. आपको हर एक इंडिविजुअल के पास जाके पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको गेम रिव्यूज इजिली मिल जाते हैं एंड देन आप उनको एनालाइज कर सकते हो. ये इजिली एक्सेसिबल है, तो ये आपका एक रीजन हो गया. या तो आप ये लिख सकते हैं या फिर ये सेंटेंस लिख सकते हो, इट इज अ वे टू गेट लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा बिकॉज इंटरव्यूइंग सेवरल पीपल वुड बी टाइम कंज्यूमिंग एंड डिफिकल्ट, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया. ठीक है, इसीलिए इन गेम यूज का ही यूज किया जाता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हमने यहां पर ये फिफ्थ क्वेश्चन अपना कर लिया. सिक्स्थ पार्ट देखते हैं. तो इसमें हमें ये ग्राफ गिवन है, बेस्ड ऑन द टेबल इन द पैसेज विच टाइप ऑफ गेम डज द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट. तो अभी हमें टेबल गिवन थी एक पैसेज में, उस टेबल को हम देखेंगे. तो उस टेबल के बेसिस पर ये ग्राफ किस टाइप की गेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस ग्राफ को हम देख लेते हैं. तो यहाँ पर ग्राफ में आप देख सकते हो, एक्स एक्सिस पर तो वो जो फैक्टर्स हैं वो बताए गए हैं कि गेम कितना चैलेंजिंग है, कितना मतलब उसको हम फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं एंड कितना उसमें मजा आता है. तो ये उस हिसाब से उस गेम को रेट किया गया है. एंड नंबर ऑफ रिव्यूज, मतलब रिव्यूज कितने आए हैं, कितना लोगों ने रिव्यू रेट किया है इसको ऐसे. ठीक है, तो जिस पर्टिकुलर गेम की यहाँ पर इस ग्राफ में बात हो रही है, तो वो गेम चैलेंजिंग तो बहुत है, काफी लोगों ने उसको चैलेंजिंग बोला है. ठीक है, फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं उसको, ये काफी कम लोगों ने बोला है, वेरी लेस. ओके, एंड उसमें मजा आता है ये उससे ज्यादा ने बोला है. ठीक है, तो किस टाइप की कौन से टाइप के गेम की यहां पर बात हो रही है, वो हम टेबल को देखकर पता करेंगे. तो देखो यहां पर टेबल हमें गिवन है. इस टेबल में आप देख सकते हो ये टाइप ऑफ गेम है एंड ये फैक्टर्स हैं. तो टाइप ऑफ गेम में देखो, चैलेंजिंग गेम सबसे ज्यादा चैलेंजिंग कौन सा है इसमें से सबसे ज्यादा गेम, बिकॉज अभी हमने ग्राफ में देखा कि वो जो गेम था उसको सबसे ज्यादा लोगों ने चैलेंजिंग बोला था. सो विच टाइप ऑफ गेम इज द मोस्ट चैलेंजिंग. एक्शन में 456 लोगों ने बोला कि ये चैलेंजिंग है. जो बोर्ड टाइप के गेम होते हैं उसमें 420 लोगों ने बोला. कार्ड में 417 एंड वर्ड गेम्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा लोगों ने बोला कि ये चैलेंजिंग होता है, 812. ठीक है, देन हमने देखा था बीइंग एबल टू प्ले विद फ्रेंड्स, इसमें काफी कम लोगों ने ऐसा बोला था कि उसको हम अपने फ्रेंड्स के साथ भी खेल सकते हैं. तो इसमें देखो सबसे कम किसको वोट मिला है फ्रेंड्स के वाला, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 256, 697, 512 एंड 23. तो इसको सबसे ज्यादा कम रेटिंग मिली है. जो वर्ड गेम्स हैं उनको हम फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं, ऐसा सबसे कम लोगों ने बोला, बहुत ही कम लोगों ने बोला है. ठीक है, एंड जो फन वाला फैक्टर था वो फ्रेंड्स वाले फैक्टर से थोड़ा ज्यादा था, उसको ज्यादा रिव्यूज मिले थे. तो इसमें आप देखो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, 110, 120, 190, 123. तो 23 से ज्यादा हो रहा है यहाँ पर. तो वर्ड टाइप के गेम की यहाँ पर बात हो रही है, वर्ड गेम की बात हो रही है, बिकॉज उसमें भी ऐसे ही बताया था कि वो चैलेंजिंग सबसे ज्यादा है, उसको फ्रेंड्स के साथ खेला जा सके, ये काफी कम लोगों ने बोला है एंड उससे ज्यादा लोगों ने बोला है कि उसमें मजा आता है. सो द विच टाइप ऑफ गेम वी आर टॉकिंग अबाउट, वर्ड गेम. ठीक है,
तो उस ग्राफ के बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि कौन सा गेम है ये, इट इज वर्ड गेम. तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा. ठीक है, अब ये ग्राफ वाला क्वेश्चन था, तो जो उसके उसके ऑप्शन उसके ऑप्शन में जो विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्वेश्चन गिवन है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ डेवलपर ऑफ अ क्रॉसवर्ड पजल ऐप इज सीकिंग एडवाइस टू मेक इम्प्रूवमेंट टू द ऐप. तो एक डेवलपर है क्रॉसवर्ड पजल का ऐप, क्रॉसवर्ड पजल ऐप का. तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस टाइप की गेम की बात हो रही है. क्रॉसवर्ड मीन्स इट इज टाइप ऑफ अ वर्ड गेम, जो अभी हमने देखा उसी टाइप की गेम की यहाँ पर बात हो रही है. तो वो जो डेवलपर है वो एडवाइस सीख कर रहा है, मतलब उसको कोई सजेशन दे, कोई उसको एडवाइस देकर वो कैसे अपनी ऐप को इम्प्रूव कर सकता है. ठीक है, बेस्ड ऑन द डाटा प्रोवाइडेड विच ऑफ दीज आइडियाज इज बेस्ट टू रिकमेंड टू द डेवलपर. तो जो हमने अभी वर्ड गेम देखा था, वर्ड गेम में हमने देखा था कि लोगों ने उसको सबसे ज्यादा चैलेंजिंग बोला था. ठीक है, फिर लोगों ने बोला था कि काफी लोगों ने बोला था कि उसको खेलने में मजा भी आता है, लेकिन काफी कम लोगों ने ये बोला था कि उसको हम अपने फ्रेंड्स के साथ भी खेल सकते हैं. तो इस चीज में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है. तो वो डेवलपर क्या कर सकता है, उसको इस फैक्टर में, इस फील्ड में इंप्रूव करना है अपने वर्ड गेम को, बिकॉज उसी टाइप का ये गेम है. सो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट. तो क्या हम उसको बेस्ट रिकमेंड कर सकते हैं उस डेवलपर को कि आपको ये इंप्रूवमेंट करना चाहिए. सो व्हाट विल बी द बेस्ट आंसर, मेक द पजल्स टफ टू सॉल्व. देखो वो ऑलरेडी चैलेंजिंग होते हैं, वो ऑलरेडी टफ होते हैं, तो उसको हमें और ज्यादा टफ करने की जरूरत नहीं है. अलाउ प्लेयर्स टू टीम अप और कंपीट विद अदर प्लेयर्स, ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा. बिकॉज उसमें देखो जब जो प्लेयर्स हैं वो टीम अप करेंगे तो आपस में खेलेंगे, इंगेज होंगे, एंड यही सबसे ज्यादा कम लोगों ने इस बारे में मतलब इसको सबसे ज्यादा कम लोगों ने रिव्यूज दिए थे, है ना. एंड इसी फील्ड में इंप्रूव करना है, इसीलिए उस डेवलपर को क्या करना चाहिए, प्लेयर्स को टीम अप करना चाहिए ताकि वो कंपीट कर पाए और दूसरे प्लेयर्स से, इस फील्ड में इंप्रूव करना चाहिए. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द बेस्ट रिकमेंडेशन गिवन टू दैट डेवलपर. ओके, बाकी जो है वो चैलेंजिंग तो ऑलरेडी है ही. क्रिएट मोर लेवल्स इन द गेम, ये भी कोई जरूरत नहीं है. चेंज द कलर एंड डिजाइन टू मेक इट मोर अपीलिंग, नो. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. राइट अ वर्ड फ्रॉम पैराग्राफ 4 दैट मीन्स द सेम एज द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस बिलो. तो पैराग्राफ 4 में से आपको एक वर्ड सेलेक्ट करना है जिसका मीनिंग सेम है इस वर्ड जैसा. तो ये वर्ड क्या है, इट इज द यूनिवर्सल अपील ऑफ स्मार्टफोन्स दैट मेड वीडियो गेम्स वेरी पॉपुलर. देखो स्मार्टफोन्स की जो यूनिवर्सल अपील है उसी वजह से जो वीडियो गेम्स हैं वो पॉपुलर हुए हैं. मतलब स्मार्टफोन्स आज के टाइम पर सबके पास हैं, सबके पास अवेलेबल हैं, सब यूज करते हैं, ईजी एक्सेस है, इसीलिए जो वीडियो गेम्स हैं वो भी पॉपुलर हुए. तो ये यूनिवर्सल अपील जो वर्ड है ना, इसी जैसा वर्ड आपको सिलेक्ट करना है पैराग्राफ 4 में से. सिमिलर वर्ड आपको ढूंढना है पैराग्राफ 4 में. तो देखो पैराग्राफ 4 कहाँ पर है, हेयर इज पैराग्राफ 4. तो सेम वर्ड आपको ढूंढना है यूनिवर्सल अपील जैसा. सो दिस वॉज द मोस्ट कॉमन फैक्टर एसोसिएटेड विद एडिक्टिव गेम्स आउट ऑफ ऑल द 9 फैक्टर्स. दिस वॉज फॉलोड बाई 15.7% मैंशनिंग द फैक्टर ऑफ फ्रेंड्स. ऑल्दो इट इज अ क्लीशे, द ऑब्यूक्विटी ऑफ द इंटरनेट हैज मेड द वर्ल्ड अ ग्लोबल विलेज. तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो वर्ड है ये, इसको अगर आप पूरे सेंटेंस को पढ़ो ना तो आपको समझ में आएगा कि ओब्यूक्विटी वर्ड का मतलब होता है जब कोई चीज़ काफ़ी कॉमन होती है, वेरी कॉमन. ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ऑल्दो इट इज़ अ क्लीशे, द ओब्यूक्विटी ऑफ द इंटरनेट हैज़ मेड द वर्ल्ड अ ग्लोबल विलेज. आजकल जो इंटरनेट है वो ऑलमोस्ट हर जगह अवेलेबल है, हर एक इंसान के पास इंटरनेट का एक्सेस है. सो ओब्यूक्विटी ऑफ द इंटरनेट मीन्स इंटरनेट इज कॉमन, एंड यूनिवर्सल अपील दोनों वर्ड्स का सेम ही मीनिंग है, है ना. तो यहाँ पर ऑब्विक्विटी इसका सही आंसर होगा, जो पैराग्राफ 4 में ये ऑब्विक्विटी वर्ड है, इट इज सिमिलर टू द वर्ड यूनिवर्सल अपील. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यूनिवर्सल अपील जैसा सेम वर्ड पैराग्राफ 4 में जो हमें मिला है, दैट इज ऑब्विक्विटी. ओके, विच इज वेरी कॉमन. ओके, इसका मीनिंग है वो. देन 9th पार्ट है, रीड द सेंटेंस गिवन बिलो, व्हाई इज एवरीवन प्लेइंग ऑन देयर फोन. तो ये सेंटेंस हमने पढ़ लिया. इन विच ऑफ दीज प्लेसेस इन द पैसेज कैन द सेंटेंस बी यूज्ड. तो इस पैसेज में कौन सी जगह पर हम इस सेंटेंस को यूज कर सकते हैं, व्हाई इज एवरीवन प्लेइंग ऑन देयर फोन. इसका आंसर हमें पैसेज में कहां पर मिलेगा, पैराग्राफ 1 की स्टार्टिंग में, पैराग्राफ 1 के एंड में, पैराग्राफ 2 की स्टार्टिंग में, या फिर पैराग्राफ 4 के एंड में. तो ये हम जाके पैराग्राफ्स में ही देख लेते हैं हमें कहां पर इसका आंसर मिलेगा, व्हाई इज एवरीवन प्लेइंग वीडियो गेम्स ऑन देयर फोन्स. तो देखो पैराग्राफ 1 में, प्लेइंग वीडियो गेम्स प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट एंड मेनी सोशल एंड साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड्स. यहीं पर हमें स्टार्टिंग में ही अपना स्टार्टिंग वाली लाइन में ही आंसर मिल रहा है कि लोग वीडियो गेम्स क्यों खेल रहे हैं अपने फोन पर, बिकॉज उससे एंटरटेनमेंट उन्हें मिल रहा है एंड काफी सोशल एंड साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं. तो ये पैराग्राफ 1 की स्टार्टिंग में ये जो सेंटेंस है इसको हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, जब आप वो सारा पैसेज पढ़ लोगे आपको अपने आप ही आइडिया आ जाएगा कि कहां पर वो सेंटेंस सूट करेगा. ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी
Yes, the correct answer will be at the beginning of paragraph 1, option number A. ठीक है, then 10th part है, which of these is best suited as a title for the passage? तो इस passage के लिए best suited title क्या होगा? Smartphones boost addiction, challenge your mind with games, a new way to game with friends, understanding addiction to games. तो देखो, इस पूरे passage में अगर आपने अच्छे से read कर लिया, theme को समझ लिया, तो आप ये समझ जाओगे, आपको ये पता होगा कि पूरे इस passage में addiction की बात करी गई है, कि कैसे अलग-अलग जो factors हैं, वो responsible होते हैं, ठीक है, and कौन से factors हैं जो determine करते हैं कि एक game कितना addictive है, कैसे हम addiction को रोक सकते हैं, तो addiction की यहाँ पर mainly बात करी गई है इस पूरे passage में, so option number D सही answer होगा, understanding addiction to games. सारी चीजों की भी बात करी है, लेकिन जो मेन थीम था पैसेज का, दैट वाज अंडरस्टैंडिंग एडिक्शन टू द गेम्स. सो दिस विल बी द बेस्ट सूटेड टाइटल, ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, तो ऐसे आपको अपने क्वेश्चंस को आंसर करना है. तो हमने अपना सेकंड पैसेज भी कर लिया, दोनों पैसेज हमने कर लिए. अब हम अपना सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं, विच इज ग्रामर. सो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन नंबर बी, विच इज ग्रामर. तो ग्रामर देखो, आपके टोटल कितने मार्क्स की है? 10 मार्क्स की है, क्योंकि इसमें आपको टोटल देखो 12 क्वेश्चन है. 12 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जिसके आपको 10 मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे तो हम 12 के 12 सॉल्व करेंगे, लेकिन जब एग्जाम में आपका आएगा 12 क्वेश्चन, तो उसमें से आपको सिर्फ 10 अटेम्प्ट करना है, जो आपका मन करे. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं. रीड द कन्वर्सेशन है एंड ऑफर मदर एंड सन, कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग द मदर्स रिप्लाई करेक्टली. ठीक है, तो ये रिपोर्टिंग स्पीच का क्वेश्चन है. सन बोलता है, मॉम हाउ डू आई बिकम एन आर्टिस्ट? मदर रिप्लाई करती है, यू विल नीड टू लर्न मोर अबाउट द आर्ट यू लाइक एंड प्रैक्टिस इट एवरी डे. कि जिस आर्ट को तुम पसंद करते हो, तुम म्यूजिक, डांस, जिस भी आर्ट फॉर्म को तुम पसंद करते हो, तुम उसकी तुम्हें रेगुलर प्रैक्टिस करने की जरूरत है एवरी डे. ठीक है, तब आप तुम एक अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हो उसमें. ठीक है, तो हमें यहां पे इसको करेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है. सन आस्क्ड हिज मदर हाउ ही कुड बिकम एन आर्टिस्ट. शी टोल्ड हिम, अब इसको देखो, शी टोल्ड हिम डैट ही, यू का ही हो जाएगा, डैट ही will का वुड हो जाएगा, डैट ही वुड नीड टू लर्न मोर अबाउट द आर्ट ही लाइक्ड. ठीक है, आर्ट ही लाइक्ड हो जाएगा, लाइक का पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड प्रैक्टिस इट एवरी डे. ये यूं का यूं रहेगा. तो इसका आंसर हो गया, अ सन आस्क्ड हिज मदर हाउ ही कुड बिकम एन आर्टिस्ट, शी टोल्ड हिम डैट ही वुड नीड टू लर्न मोर अबाउट द आर्ट ही लाइक्ड एंड प्रैक्टिस इट एवरी डे. हो गया, अब अगला क्वेश्चन देखते आ जाओ. क्वेश्चन नंबर टू है, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द एडवर्टाइजमेंट. आर यू लुकिंग फॉर मोर बुक्स टू रीड? क्या तुम और ज्यादा बुक्स पढ़ना चाहते हो? ड्यू टू पॉपुलर डिमांड, इतनी डिमांड आ रही थी, वी डैश बैक आवर बाय वन गेट वन फ्री ऑफर नेक्स्ट वीकेंड. सो वी विल ब्रिंग बैक, बिल्कुल हम लाने वाले हैं. इतनी डिमांड आ रही थी कि हमने सोचा कि हमें अपनी ये जो हमारी पर है ना बाय वन गेट वन फ्री वाला ऑफर, ये हम वापस हमें लाना चाहिए. सो वी विल ब्रिंग बैक आवर बाय वन गेट वन फ्री ऑफर नेक्स्ट वीकेंड. से तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. अगला देखते हैं भाई. थर्ड है, आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन न्यूज़पेपर हेडलाइन एंड सप्लाई द करेक्शन. तो एरर बताओ क्या है इसमें हेडलाइन में, और करेक्शन भी लिखो. एथलेटिक्स स्टार कोई कंपनी है, हेल्प्स स्टेट स्टेज अहेड ऑफ कंपटीशन. एथलेटिक्स स्टार हेल्प्स स्टेट स्टेज अहेड. स्टेज नहीं आएगा, स्टे आएगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो स्टेट है, तो स्टेट स्टे अहेड ऑफ कंपटीशन की भाई यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको एथलेटिक्स में पार्ट लेना चाहिए, ताकि स्टेट इस मामले में आगे रह सके. सो इसका एरर क्या है? स्टेज है, करेक्शन है, स्टे आएगा, यहाँ पे एस नहीं लगने वाला. ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक फॉर द गिवन लाइन फ्रॉम अ डोरवे साइन. क्वेश्चन, डोरवे पे जैसे बोर्ड लगे होते हैं भाई, कोई भी वार्निंग आपको दी जाती है. सो क्वेश्चन, यू डैश नॉट एंटर, ओनली इंप्लॉयज आर अलाउड बियॉन्ड दिस पॉइंट. कि भाई आप जहां पे खड़े हो इससे आगे मत जाना, यहाँ पे सिर्फ इंप्लॉयज जा सकते हैं. ठीक है, आप इस कंपनी का पार्ट नहीं है, मतलब जैसे मान लो आप कोई भी किसी कंपनी में जाते हो, तो आप उस कंपनी के इंप्लॉय तो नहीं हो, लेकिन आपको जैसे कहीं भी क्वेश्चन लगा मिल जाए कि भाई ये इस डोर के इस रूम में आपको नहीं जाना, ये सिर्फ इंप्लॉयज के लिए, तो ये एक टाइप से उस टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है. तो यहाँ पे ब्लैंक्स में क्या आएगा? क्वेश्चन, यू डैश, यू नीड नॉट टू एंटर. यहाँ पे क्वेश्चन मतलब कहा कि आपको नहीं जाना है, आपको एक टाइप से स्ट्रांगली बोला जा रहा है, आपको नहीं करना है. ठीक है, आपसे कोई पूछा नहीं जा रहा है. सो यू नीड नॉट एंटर, यू मस्ट नॉट एंटर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन, यू मस्ट नॉट एंटर, ओनली इंप्लॉयज आर अलाउड बियॉन्ड दिस पॉइंट. इसके आगे तुम नहीं जा सकते हो, यहां पे इससे इस रूम में से इंप्लॉयज ही जा सकते हैं. सो यू मस्ट नॉट एंटर, यू कुड नॉट एंटर, नहीं.
अगला ऑप्शन देखो, यू माइट नॉट एंटर, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्गली बोला जा रहा है कि आपको इस पॉइंट के आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ अ डायरी एंट्री। सो यहाँ पे एक डायरी एंट्री है और हमें यहाँ पे बताने कौन सा करेक्ट वर्ड यूज होगा इस फिल इन द ब्लैंक्स में। डियर डायरी, टुडे आई सॉ द मोस्ट ब्यूटिफुल सनराइज ओवर द ओशन, आई विश आई कुड डैश इट टू ट्रूली कैप्चर एंड प्रिजर्व द ब्यूटी आई विटनेस, कि भाई मैंने इतना ब्यूटीफुल सनसेट देखा, काश मैं उसे पेंट कर पाती एंड ट्रूली उसे कैप्चर करके एंड प्रिजर्व द ब्यूटी आई विटनेस, जो मैंने ब्यूटी, जो ब्यूटीफुल सनसेट मैंने देखा। तो यहाँ पे पेंटिंग का क्या फॉर्म आने वाली है, पेंट आएगा। आप देखो ना, टुडे आई सॉ द मोस्ट ब्यूटीफुल सनराइज ओवर द ओशन, आई विश आई कुड पेंट इट टू ट्रूली कैप्चर एंड प्रिजर्व द ब्यूटी आई विटनेस, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा पेंट। अगला देखते हैं क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाई द एरर इन अ म्यूजियम प्लेक एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द सेम। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए हैं और आपको बताना है इस सेंटेंस में कौन सा एरर इनमें से सही है और कौन सा करेक्शन सही है। सेंटेंस पढ़ते हैं, दीज बिल्डिंग इनोग्रेटेड, दीज बिल्डिंग, एरर मतलब अभी दिख चुका है मुझे, दीज यहाँ पे नहीं आएगा, दिस आएगा। दीज बिल्डिंग इनोग्रेटेड ऑन दिस डेट वॉज अ फॉर्मर रेजिडेंस ऑफ अ महाराजा, एक राजा का ये बिल्डिंग रेजिडेंस हुआ करती थी, ठीक है। तो एक बिल्डिंग है, दीज बिल्डिंग क्यों आएगा, दीज की जगह यहाँ पे दिस आने वाला है, दिस बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंग थी ये एक महाराजा की उस टाइम पर एक मतलब उसका रेजिडेंस, उसका घर हुआ करता था ये जो बिल्डिंग थी, ठीक है। बिल्डिंग की जगह बिल्डिंग्स नहीं, बिल्डिंग ही रहेगा, सिंगुलर है। ऑन की जगह एड नहीं, ऑन ही रहेगा, डेट है यहाँ पे। ऑफ की जगह बाय आएगा, फॉर अ फॉर्मर, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑफ अ महाराजा, नहीं ना यहाँ पे बाय महाराजा तो नहीं, उस महाराजा का वो रेजिडेंस हुआ करता था। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीज की जगह दीज बिल्डिंग नहीं, दिस बिल्डिंग आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस बिलो, यू मस्ट हैव गॉट गुड न्यूज, आई कुड डैश यू सेलिब्रेटिंग, आई कुड हियर यू सेलिब्रेटिंग, आई कुड हियर यू सेलिब्रेटिंग, आई कुड हर्ड यू सेलिब्रेटिंग, आई कुड हियरिंग यू सेलिब्रेटिंग। तो पढ़ते समझ आ रहा है कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यू मस्ट हैव, तुम्हें गुड न्यूज मिल चुकी होगी, मैं तुम्हें सेलिब्रेट करते हुए सुन सकती हूं, तो यहां पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला देखते हैं एट्थ क्वेश्चन, रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन अ लॉयर, ये भी आपका रिपोर्टेड स्पीच का एक और क्वेश्चन आ चुका है, कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग द लॉयर रिप्लाई करेक्टली। अब देखो क्वेश्चन को देखते हैं, लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको ग्रामर का कोई भी चैप्टर समझना हो, टेंसेज, रिपोर्टेड स्पीच, डेटर माइनस, कुछ भी, फॉर्मल लेटर राइटिंग, सबके वीडियोस हमने अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं और जो आपको इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कोई भी चैप्टर में डाउट हो, समझना हो, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे क्लाइंट कहते हैं जो मतलब केस लड़ रहा है, आई एम वरीड, दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस। लॉयर कहता है डोंट वरी, आई हैव नेवर लॉस्ट अ केस इन माय लाइफ, मैं कोई भी केस नहीं आ रहा हूं, तो तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, ये यहां पे लॉयर कह रहा है अपने क्लाइंट को। तो इसे हमें स्पीच में बदलना है, द क्लाइंट वॉज वरीड एज इट वॉज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस, जो क्लाइंट था वरीड था कि भाई केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट हिज लॉयर टोल्ड हिम नॉट टू वरी, डोंट वरी का क्या हो जाएगा, नॉट टू वरी, एज ही हैड, आई का ही हो जाएगा, हैव का हैड हो जाएगा, नॉट टू वरी एज ही हैड नेवर लॉस्ट अ केस इन हिज लाइफ, माई का हिज हो जाएगा, रिपीट कर रहा हूं मैं, वापस सुनो, द क्लाइंट वॉज वरीड एज इट वॉज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस बट हिज लॉयर टोल्ड हिम नॉट टू वरी, डोंट वरी का क्या हो जाएगा, नॉट टू वरी एज ही हैड नेवर लॉस्ट अ केस इन हिज लाइफ, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं भाई, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द टेक्स्ट मैसेज बिलो, लेट्स मीट अनदर डे सिंस नाइदर कवि नॉर समांथा डैश फ्री टुडे एज दे हैव टेनिस प्रैक्टिस, ही भाई अगले दिन मिलते हैं, आज तो क्योंकि कवि और समांथा ये टेनिस प्रैक्टिस के लिए गए हैं तो आज हम नहीं मिलते, ठीक है, किसी और दिन मिलेंगे। तो ये सेंटेंस है आपका, सो लेट्स मीट अनदर डे सिंस नाइदर कवि नॉर समांथा डैश वर फ्री टुडे, आर फ्री टुडे, बी फ्री टुडे या फिर इस फ्री टुडे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, पढ़ते समझ आता है कि ऑप्शन नंबर डी इज होगा, लेट्स मीट अनदर डे सिंस नाइदर कवि नॉर समांथा इज फ्री टुडे, वो आज फ्री नहीं है तो आज हम नहीं मिल सकते, किसी और दिन मिलेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अपना 10th क्वेश्चन, आ जाओ। सो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो यहां पर 10th क्वेश्चन में हमें सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है नरेशन को कंप्लीट करने के लिए बिटवीन अयान एंड हिज मैकेनिक वीर। तो देखो क्या कन्वर्सेशन हुई है, अयान ने बोला बाय व्हेन डू यू थिंक यू कैन फिक्स माय कार, तो वीर ने रिप्लाई किया प्रोबेबली बाय टुमारो, आई डोंट थिंक योर कार हैज एनी मेजर इश्यूज, ठीक है। तो फिर इसको हमने रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है,
तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है, हमें इस ब्लैंक को फिल करना है. आयान आस्क्ड हिज मैकेनिक वीर व्हेन ही थॉट ही कुड फिक्स हिज कार. ठीक है, ये आयान का जो क्वेश्चन है वो तो कन्वर्ट हो रखा है. फिर वीर ने रिप्लाई किया दैट ही कुड प्रॉब्ली फिक्स द कार बाय डैश एज इट हैड नो मेजर इश्यूज. तो हमें किसको कन्वर्ट करना है, टुमारो को कन्वर्ट करना है. दैट ही कुड प्रॉब्ली फिक्स द कार बाय, यहाँ पर जो टुमारो है इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है. तो हम जानते हैं टुमारो को कैसे, टुमारो किस में कन्वर्ट होता है, द नेक्स्ट डे में. ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, द नेक्स्ट डे, ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, येस्टरडे को कन्वर्ट करते हैं हम द प्रीवियस डे में, एंड टुमारो को हम कन्वर्ट करते हैं द नेक्स्ट डे में. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर. ये तो सिंपल था कन्वर्जन की, ये जो रूल्स हैं ये तो आपको पता होने ही चाहिए. ओके, देन 11th क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एरर इन द एडवर्टाइजमेंट गिवन बिलो एंड सप्लाई द करेक्शन. तो एरर हमें फाइंड आउट करना है एंड देन उसको करेक्ट करके भी लिखना है. यहाँ पर एरर, यहाँ करेक्शन. ओके, तो ये हमारी एडवर्टाइजमेंट है, इसमें आपको गलती ढूंढनी है, एरर ढूंढना है. लुकिंग टू बाय अ गिटार, द ब्रांड न्यू गिटार इज फॉर सेल, इट कम्स विद अ वुडन वेलवेट लाइन गिटार केस, इफ इंटरेस्टेड कॉन्टैक्ट मी एट दिस फॉर मोर डिटेल्स. ठीक है, तो यहाँ पर देखो हेडिंग में कोई गलती नहीं है, लुकिंग टू बाय अ गिटार, क्या आप गिटार खरीदने के लिए देख रहे हो, गिटार खरीदने की सोच रहे हो. ठीक है, ये तो हेडिंग तो सही है. देन द ब्रांड न्यू गिटार इज फॉर सेल, अब देखो यहाँ पर ये द क्यों लिखा है, हम किसी स्पेसिफिक गिटार की या किसी स्पेसिफिक ब्रांड वाले गिटार की तो बात नहीं कर रहे, एक पर्टिकुलर एक ब्रांड का गिटार है जो सेल पर है. सो यहाँ पर द नहीं अ आना चाहिए, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक गिटार की बात नहीं कर रहे. आगे किसी सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, इट कम्स विद अ, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताई है, एंड इंटरेस्टेड तो कॉन्टैक्ट एट दिस फॉर मोर डिटेल्स. ओके, तो यहाँ पर द नहीं आना था, यहाँ पर अ आना था, बिकॉज हम किसी स्पेसिफिक गिटार की बात नहीं कर रहे. अ ब्रांड न्यू गिटार इज फॉर सेल, एक ब्रांड न्यू गिटार सेल पर है. ओके, एंड देन उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताइए. तो द एरर क्या है हमारा, एरर इज द विच इज हेयर, यहाँ पर ये एरर में द आ जाएगा, एंड इसकी करेक्शन क्या होगी, इसको करेक्ट करके हमें क्या लिखना है, अ लिखना है. ओके, सो द एरर इज द एंड करेक्शन इज अ. ठीक है, तो एरर करेक्शन भी हमने कर दिया. देन 12th क्वेश्चन, ऋषि आस्क्ड अली द क्वेश्चन गिवन बिलो, रिपोर्ट ऋषिज क्वेश्चन. तो ऋषि ने अली से ये क्वेश्चन पूछा, हमें ऋषि के क्वेश्चन को रिपोर्ट करना है, उसको रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है. ओके, कुड यू गिव मी सम एडवाइस ऑन हाउ आई कुड बी अ बेटर स्कूल कैप्टन. तो ऋषि ने अली से एडवाइस मांगी है, ये बोला है कि क्या तुम मुझे एडवाइस दे सकते हो, सजेशन दे सकते हो कि कैसे मैं एक अच्छा स्कूल कैप्टन बनूं. ओके, तो स्टार्ट करेंगे हम, बिकॉज यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है. तो सबसे पहले ऋषि ने अली से पूछा है, सो हाउ वी विल स्टार्ट, ऋषि आस्क्ड अली, ऋषि आस्क्ड अली. अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन वाले वर्ड में हम इफ या फिर वेदर वर्ड का यूज करते हैं, इफ या फिर वेदर. ठीक है, सो ऋषि आस्क्ड अली इफ, इफ किससे, उसने किससे क्वेश्चन पूछा है, अली से पूछा है. सो इफ ही कुड, इफ ही कुड, बिकॉज यू जो है वो स्टार्टिंग में, जो हमारा सब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, यू का ही बन जाएगा. एंड देन कुड, ही कुड गिव मी, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मी कन्वर्ट हो जाएगा हिम में, गिव हिम सम, गिव हिम सम एडवाइस, सम एडवाइस या सम एडवाइस एज इट इज रहेगा, ऑन हाउ, ऑन हाउ आई किस में चेंज हो जाएगा, ही में चेंज हो जाएगा, ऑन हाउ ही कुड be a better school captain, and then last में full stop लग जाएगा. ठीक है, then ये sentence पूरा on how he could be a better school captain, and last में हम full stop लगा देंगे. ठीक है, तो ऐसे हमें इसको reported speech में convert करना था. ऋषि के question को हमने change कर दिया, ऋषि asked Ali if he could give some advice, if he could give him some advice on how he could be a better school captain, full stop. ठीक है, तो ऐसे आपने इसको रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना था ऋषि के क्वेश्चन को. तो क्वेश्चंस जब भी पूछे जाते हैं ना, तो इफ या फिर वेदर वर्ड का यूज करते हैं. एंड इस सेंटेंस में तो दो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, क्या तुम मुझे एडवाइस दे सकते हो कि कैसे मैं एक स्कूल अच्छा स्कूल कैप्टन बनाऊं. तो दो क्वेश्चन थे यहाँ पर. ओके, इसलिए हाउ वर्ड का तो यहाँ पर यूज था ही, लेकिन इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हमने इफ वर्ड का यूज किया था. ओके, सो हमारा जो ग्रामर का पोर्शन है, जो सेक्शन बी ग्रामर था, वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया. अब हम अपना सेक्शन सी स्टार्ट करेंगे, विच इज क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स. सो फ्रेंड्स, इस सेक्शन में हमें एक लेटर करना है और एक एनालिटिकल पैराग्राफ करना है. ठीक है, आपको दोनों में ही ऑप्शन गिवन है, दो लेटर्स गिवन है, उसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है, एंड दो पैराग्राफ में भी ऑप्शन आपको गिवन है, उसमें से भी आपको एक अटेम्प्ट करना है. ठीक है, तो देखो फर्स्ट है आपका लेटर, तो अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए बी गिवन बिलो. तो ए क्या है, यू आर राकेश मेहता सेक्रेटरी
टेरिटरी ऑफ रेनबो अपार्टमेंट्स मराठली बैंगलोर अ मेजर पाइपलाइन सप्लाइंग वाटर टू योर अपार्टमेंट कम्प्लेक्स बर्स्ट रिसेंटली। तो आप राकेश मेहता हो, आप रेनबो अपार्टमेंट्स के सेक्रेटरी हो मराठली बैंगलोर में, एंड आपके जो आपका जो अपार्टमेंट कम्प्लेक्स है उसमें एक बड़ी पाइपलाइन बर्स्ट हो गई है, फट गई है। इस वजह से क्या हुआ है, जो रिपेयर्स हैं, जो रिपेयर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी टाइम कंज्यूमिंग, रिपेयर्स में काफ़ी टाइम लगता है, एंड जो अवेलेबल वाटर है वो इनसफिशियंट है, मतलब काफ़ी नहीं है रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए ऑफ द रेजिडेंट्स एंड स्टाफ विद इन द प्रेमिसेस। मतलब जो लोग रह रहे हैं, जो स्टाफ रह रहे हैं, उनकी वाटर रिक्वायरमेंट्स के लिए पानी सफिशियंट नहीं है, इट इज़ नॉट इनफ, ठीक है, एंड रिपेयरिंग में काफ़ी टाइम लगता है, इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। ओके, तो आपको एरिया डेवलपमेंट ऑफिसर को लेटर लिखना है, जो मराठली एरिया बैंगलोर का जो एरिया डेवलपमेंट ऑफिसर है उसको लेटर लिखना है इन नॉट मोर देन 120 वर्ड्स, मतलब 120 वर्ड्स से ज़्यादा में नहीं लिखना, एंड आपको रिक्वेस्ट करना है उनको, ये रिक्वेस्ट करना है कि जो रिपेयर वर्क है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, ठीक है, एंड साथ ही साथ जो अटेंशन है उसको डिफिकल्टीज पर भी लेकर आना, दैट व्हाट डिफिकल्टीज द पीपल आर फेसिंग एंड द चैलेंजेस ऑफ प्रोक्योरिंग वाटर फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, मतलब पाइपलाइन बर्स्ट हो गई तो लोग काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, एंड बाहर से पानी मंगवाना पड़ रहा है तो उसमें काफ़ी डिफिकल्टीज हो रही है, काफ़ी चैलेंजेस हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आपको बतानी है, एंड लास्ट में रिक्वेस्ट करना है कि ये जो रिपेयरिंग का काम है ये जल्द से जल्द खत्म हो, ठीक है, तो ये आपको लेटर लिखना है। या फिर दूसरा आपको लेटर क्या है, दूसरा ऑप्शन आपको क्या गिवन है, यू आर पॉली चावला अ रेजिडेंट ऑफ वॉर्ली पार्क मुंबई, आप मुंबई के वॉर्ली पार्क के एक रेजिडेंट हो, आपका नेम है पॉली चावला, एंड आपने एक डॉक्यूमेंट्री देखी अबाउट द यूथ ऑफ द नेशन टाइटल अ कंट्री इन गुड हैंड्स, मतलब आपने एक डॉक्यूमेंट्री देखी न्यूज़पेपर में, उस डॉक्यूमेंट्री का टाइटल था अ कंट्री इन गुड हैंड्स, एंड ये जो डॉक्यूमेंट्री थी ये नेशन के यूथ के बारे में थी, ठीक है, आपको एक लेटर ऑफ एप्रिसिएशन लिखना है टू द एडिटर ऑफ द यूथ टाइम्स, मतलब इस न्यूज़पेपर के जो एडिटर हैं उनको एक लेटर ऑफ एप्रिसिएशन, मतलब एप्रिशिएटर जो एप्रिशिएटिव लेटर होता है जिसमें आप पॉजिटिव चीज़ों को हाईलाइट करते हो, उनके जो भी उन्होंने अकम्प्लिश किया है उसके बारे में अप्रिशिएट करते हो एक टाइप से, तो वो लेटर ऑफ एप्रिसिएशन आपको लिखना है टू द एडिटर ऑफ द यूथ टाइम्स, 120 वर्ड से ज़्यादा में नहीं लिखना, एंड आपको अटेंशन ड्रॉ करनी है टू द गुड दैट द यंगस्टर्स आर अराउंड यू आर डूइंग, मतलब जो यंगस्टर्स, जो यंग लोग अच्छे काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, उन कामों पर अटेंशन लानी है, ठीक है, उनको हाईलाइट करना अपने लेटर में, सजेस्ट वेज इन विच दे कैन फर्दर कंट्रीब्यूट टू द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, एंड आपको एक दो तरीके और सजेस्ट करने हैं जिनसे वो और ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए और डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, तो ये आपको लेटर ऑफ एप्रिसिएशन लिखना है, तो इसमें से कोई भी आप एक कर सकते हो, हम दोनों को ही देख लेते हैं कैसे आपको अपना लेटर लिखना है, ठीक है, मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। तो देखो लेटर आपका 5 मार्क का है, तो इसमें जो मार्क्स हैं वो हर एक चीज़ के लिए डिवाइडेड हैं, फॉर्मेट के लिए अगर आपका फॉर्मेट सही है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, जो कंटेंट है मतलब जो लाइन्स आपने लिखी हैं, जो इन्फॉर्मेशन बॉडी में लिखी है उसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे, अगर वो सही है एक लेवल की है अच्छी है तो कंटेंट के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़, मतलब आपने कैसे लाइन्स को लिखा है, आपने सबसे पहले स्टार्टिंग करी, फिर बॉडी लिखी, फिर लास्ट में कंक्लूजन, कैसे आप अपने प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब कर रहे हो, क्या सीरीज है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है आइडियाज का उसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। एक्यूरेसी के लिए फिर 1 नंबर, मतलब जो ग्रामर है, बाकी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक या सेंटेंस की या स्पेलिंग की कोई गलत तो नहीं है, तो वो जो एक्यूरेसी है उसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। तो ऐसे टोटल 5 मार्क्स हैं आपके लेटर के, तो हर एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा तभी आपको पूरे नंबर मिल पाएंगे। ओके, ऐसा नहीं कि फॉर्मेट सही लिख दिया तो पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे, हर एक चीज के यहाँ पर मार्क्स डिवाइडेड हैं, सो यू हैव टू फोकस ऑन ईच एंड एवरीथिंग। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया कैसे लेटर में मार्क्स डिवाइडेड है, अब हम देख लेते हैं कि कैसे हमने ये लेटर लिखना है। ओके, तो यहाँ पर ये पूरा डिस्क्राइब भी किया गया उसको, अभी हम इसका पूरा एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे आपको लेटर लिखना है। तो सबसे पहले वो राकेश मेहता वाला कर लेते हैं जिसमें पाइपलाइन बर्स्ट होगी, उसमें पहले वो वाला करते हैं। तो देखो स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में हम लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, मतलब जो सेंड कर रहा है, जो लिख रहा है लेटर को उसका एड्रेस लिखते हैं। तो वो आपको गिवन था, क्वेश्चन में मेंशन था, तो वो आपको लिख देना है रेनबो अपार्टमेंट्स, ये यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दूर लिखा हुआ है, ये एक ही सेंटेंस है, रेनबो अपार्टमेंट्स मराठली बैंगलोर, ठीक है, सेंडर का एड्रेस लिख दिया। फिर आपको एक लाइन छोड़नी है, एक लाइन छोड़ के फिर आपको क्या लिखना है, डेट लिखनी है, डेट क्या है, 10 मई 2020, ये एक ही साथ है, थोड़ा सा एक्सपैंड हो गया, ठीक है, 10 मई 2022। ओके, एंड डेट को आप ऐसे ही लिखोगे, मतलब पूरा वर्ड में 10 फिर मे एंड फिर 2022, ऐसे स्लैश डाल के या डॉट डाल के मत लिखना, एक्सपैंड करके आपको पूरी अपनी डेट लिखनी है। फिर डेट लिखने के बाद एक लाइन छोड़नी है, फिर आपको क्या लिखना है, रिसीवर एड्रेस, मतलब जिसको आप लेटर लिख रहे हो उसका एड्रेस लिखना है, तो एरिया डेवलपमेंट ऑफिसर को लिख रहे हो, सो एरिया डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, ये एक ही लाइन में ये पूरा आपका एक साथ आएगा, ठीक है, देन उसका एड्रेस मराठली एरिया बैंगलोर,
ठीक है, तो रिसीवर एड्रेस हो गया। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है, एक लाइन छोड़ के फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, क्यों आप लेटर लिख रहे हो। ठीक है, रिक्वेस्टिंग टाइमली कंप्लीशन ऑफ पाइपलाइन रिपेयर वर्क। ठीक है, जो पाइपलाइन का रिपेयर वर्क है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए, टाइमली उसकी कंप्लीशन हो जाए, उसको रिक्वेस्ट करने के लिए, वो रिक्वेस्ट करने के लिए आप ये लेटर लिख रहे हो। सो दैट विल बी द सब्जेक्ट। एंड देन सब्जेक्ट लिखने के बाद भी आपको एक लाइन छोड़नी है, सब्जेक्ट से पहले भी एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद भी एक लाइन छोड़नी है, फिर आप रिस्पेक्टेड सर या डियर सर लिख के अपनी बॉडी स्टार्ट करोगे। ठीक है, डियर सर आपने लिखा, रिस्पेक्टेड सर लिख दिया, फिर सैल्यूटेशन होती है आपकी, उसके बाद आप अपना लेटर स्टार्ट करोगे। लेटर में स्टार्टिंग में आपको एक ओपनिंग लाइन लिखनी होती है, फिर आप अपनी मेन बॉडी स्टार्ट करते हो कि आप वो लेटर क्यों लिख रहे हो। सो दिस इज विद रेफरेंस टू द ऑनगोइंग रिपेयर वर्क, कि ये लेटर में क्यों लिख रहा हूं, किस रेफरेंस में लिख रहा हूं, किस कॉन्टेक्स्ट में लिख रहा हूं, तो वो आपको लिखना है। दिस इज विद रेफरेंस टू द ऑनगोइंग रिपेयर वर्क, मतलब जो रिपेयर वर्क चल रहा है उसके रेफरेंस में मैं ये लेटर लिख रहा हूं। टू द वाटर सप्लाई ऑफ द वाटर सप्लाई लाइन्स इन आवर एरिया दैट बर्स्ट अर्लियर दिस वीक। ठीक है, जो पाइपलाइन की जो वाटर सप्लाई लाइन्स थी वो हमारे एरिया में जो कुछ हफ्तों पहले बर्स्ट हो गई थी, तो उसके रिपेयर वर्क से मैं ये लेटर लिख रहा हूँ, उसके रेफरेंस में मैं ये लेटर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये ओपनिंग लाइन के बाद फिर आपको अपनी मेन बॉडी स्टार्ट करनी है, उसमें आप अपनी डिफिकल्टीज वगैरह, वो पूरा लेटर में डिस्क्राइब था कि आपको डिफिकल्टीज बतानी है, क्या क्या लोग चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, बाहर से पानी मंगवाना पड़ रहा है, तो क्या प्रॉब्लम्स हैं वो आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, वी वर इन्फॉर्म दैट द रिपेयर वर्क विल बी लेंथी एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। रिपेयर वर्क काफ़ी लेंथी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, एंड हमारे जो अपार्टमेंट्स हैं उसमें 2000 फैमिलीज, अराउंड 2000 फैमिलीज रहती हैं, जो स्टाफ हैं वो रह रहे हैं हमारे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, व्हाइल वी हैव प्रोविजन फॉर वाटर इन आर ओवरहेड वाटर स्टोरेज टैंक्स, द स्टोर्ड वाटर विल बी इनसफिशिएंट टू मीट एवरीवन्स डेली नीड्स स्पेशली सिंस इट्स द पीक ऑफ समर। ठीक है, तो वो लाइन भी मेंशन थी कि जो वाटर है आपके पास वो इनसफिशिएंट है ना। अभी देखो वाटर की जो मेन सप्लाई है वो तो बर्स्ट हो गई, तो अब जो हमारे पास स्टोरेज टैंक में जो पानी है, जो हमारे पास स्टोर था, उसको हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो इनसफिशिएंट है सभी की नीड्स को पूरा करने के लिए, सभी की डेली नीड्स उसमें पूरी नहीं हो रही हैं, बिकॉज काफ़ी लोग रहते हैं एंड जो रिपेयर है उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग रहा है। सो दिस इज़ नॉट सफिशिएंट एंड स्पेशली सिंस इट इज़ द पीक ऑफ समर, अभी गर्मियाँ भी चल रही हैं, तो पानी की जो कंजप्शन वो और ज्यादा बढ़ गई है, इसीलिए जो पानी है वो और ज्यादा इनसफिशिएंट है। तो यहां पर आपने अपना ही एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर दिया समर वाला, बिकॉज़ समर वाला क्वेश्चन में मेंशन नहीं था। आप अपनी भी एक दो चीजें ऐड कर सकते हो, क्रिएटिव होके आप अपनी लाइंस भी लिख सकते हो, एज लॉन्ग एज इट रिलेट्स एंड इट इज करेक्ट। ओके, तो यहाँ पर आपने अपना ही लॉजिक ऐड कर दिया कि गर्मियाँ भी चल रही हैं तो पानी की कंजप्शन और बढ़ गई है, इसीलिए जो पानी है वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा, सभी के लिए सफिशिएंट नहीं है, ये लाइन आपने लिख दी। ठीक है, देन एडिशनली द सराउंडिंग एरिया हैज़ ऑल्सो बीन डग अप फॉर रिपेयर्स, मेकिंग द टैंकर ड्राइवर्स रिलक्टेंट टू कम इनसाइड द अपार्टमेंट टू डिलीवर वाटर। एंड यहाँ पर आपने एक और प्रॉब्लम बता दी, जो कि है कि जो सराउंडिंग एरिया है, ठीक है, जो आसपास का एरिया है उसको खोद दिया गया है रिपेयर करने के लिए, इस वजह से जो टैंकर ड्राइवर्स हैं वो अंदर नहीं आ रहे हैं अपार्टमेंट के, अंदर नहीं आ रहे अपार्टमेंट में पानी डिलीवर करने के लिए। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है, ये एक चैलेंज है। बिसाइड्स प्रोक्योरिंग वाटर थ्रू देम इज़ वेरी एक्सपेंसिव, एंड जो वाटर हम उनसे ले रहे हैं वो काफ़ी महंगा भी है, एक्सपेंसिव भी है, बिकॉज दूसरे सोर्स से हम ले रहे हैं। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ वाटर फ्रॉम अल्टरनेट सोर्सेज इज ऑल्सो पुअर, एंड जो वाटर की क्वालिटी है दूसरे सोर्सेज से वो इतनी अच्छी नहीं है, इट इज़ पुअर। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, वन बाय वन आपको उनको मेंशन करना है। ठीक है, एंड लास्ट में आपको रिक्वेस्ट करनी है, लास्ट में जब आप अपने लेटर को कंक्लूड कर रहे हो तो कंक्लूडिंग लाइन में आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि हम ये चाहते हैं कि आप ऐसा करो, हमें उम्मीद है कि आप जल्दी करवाओगे रिपेयर का वर्क। ओके, तो लास्ट में आपको ये कंक्लूडिंग लाइन लिखनी है, आई सिंसियरली रिक्वेस्ट यू टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम, आप इस प्रॉब्लम को एड्रेस करो एंड जल्द से जल्द ये इंश्योर करो कि ये जो वर्क है ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आई रिक्वेस्ट यू टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम एट द अर्लीस्ट एंड इंश्योर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। योर्स ट्रूली राकेश मेहता, एंड लास्ट में अपनी डेजिग्नेशन सेक्रेटरी, जो कि क्वेश्चन में मेंशन थी, नेम भी मेंशन था, डेजिग्नेशन भी मेंशन थी, वही आपको यूज करना है, योर्स ट्रूली। ठीक है, लाइन छोड़ के आपको योर्स ट्रूली लिखना है, फिर अपना नेम एंड देन डेजिग्नेशन, सिंपल। ठीक है, तो ये फॉर्मेट था एंड मैंने आपको हर एक लाइन एक्सप्लेन भी कर दी, वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। ओके, अब दूसरा जो ऑप्शन वाला दूसरा लेटर था वो भी देख लेते हैं, पॉली चावला वाला, जिसमें आपको लेटर ऑफ अप्रिशिएशन लिखना है टू द एडिटर ऑफ द यूथ टाइम्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये क्वेश्चन है, हम लेटर देख लेते हैं सीधा। तो सबसे पहले सेंडर एड्रेस, तो सेंडर एड्रेस हमें बता रखा था वॉर्ली पार्क मुंबई, फिर लाइन छोड़ के डेट लिखनी है 15 दिसंबर 2022, फिर डेट के बाद एक और लाइन छोड़नी है, फिर रिसीवर एड्रेस द एडिटर, फिर न्यूज़पेपर का नेम, ठीक है, द एडिटर को आप लिख रहे हो, फिर न्यूज़पेपर एंड देन
द सिटी नेम द मुंबई, ठीक है, द यूथ टाइम्स एंड मुंबई. ओके, देन आपको रिसीवर के एड्रेस के बाद भी एक लाइन छोड़ के फिर सब्जेक्ट लिखना है. सब्जेक्ट में द फ्यूचर ऑफ द कंट्री सेफ इन द हैंड्स ऑफ योर ऑफ आर यूथ. ठीक है, तो अप्रिशिएशन लेटर आप लिख रहे हो, किस बारे में लिख रहे हो, तो टॉपिक का नाम आप लिख सकते हो कि हमारी कंट्री का जो फ्यूचर है वो सेफ है बिकॉज इट इज इन द हैंड्स ऑफ आर यूथ. ठीक है, तो टॉपिक जो सब्जेक्ट है हमारा उसको कम से कम वर्ड्स में लिखना है, हमें ज़्यादा ही उसको डिफाइन नहीं करना. ओके, इट शुड बी वेरी प्रिसाइज एंड इट शुड हैव लेस वर्ड्स. देन सब्जेक्ट के बाद एक लाइन आपको छोड़नी है एंड देन आपको सैल्यूटेशन लिखनी है अपनी, डियर मैम, रिस्पेक्टेड मैम, डियर सर, रिस्पेक्टेड सर. ठीक है, सैल्यूटेशन लिख के फिर आपको अपनी बॉडी स्टार्ट करनी है. सो दिस इज विद रेफरेंस टू अ डॉक्यूमेंट्री. आप वो लेटर क्यों लिख रहे हो, किस रेफरेंस में लिख रहे हो, तो वो एक स्टार्टिंग की लाइन लिखी जाती है. दिस इज विद रेफरेंस टू अ डॉक्यूमेंट्री आई सॉ ऑन हाउ द यूथ ऑफ आर कंट्री आर ट्रूली इज इट्स टॉर्च बियरर्स. ठीक है, ये जो लेटर है ये किसके रेफरेंस में है, उस डॉक्यूमेंट्री के रेफरेंस में है. वो डॉक्यूमेंट्री जो मैंने आपके न्यूज़पेपर में देखी थी कि कैसे जो यूथ है हमारी कंट्री का वो सच में हमारी कंट्री का टॉर्च बियरर है. मीन्स इट इज़ लीडिंग द कंट्री, इट इज़ लीडिंग द कंट्री एंड इट इज़ डूइंग सो मेनी गुड थिंग्स फॉर आर सोसाइटी. ठीक है, तो ये उस रेफरेंस में ये लेटर है. फिर आपको अपनी मेन बॉडी स्टार्ट करनी है, अपने जो यूथ जो यंगस्टर्स हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको हाईलाइट करना है, उनके बारे में बताना है एंड देन लास्ट में कुछ और तरीके सजेस्ट करने हैं जिनसे वो और ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएँ. ठीक है, सो इट इज़ हार्टनिंग टू सी यंगस्टर्स पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ जैसे कि क्लीनलीनेस का वो काम करते हैं. ठीक है, टू इम्प्रूव सोसाइटी सच एज हेल्पिंग द नेबरहुड क्लीन बाय ऑर्गेनाइजिंग क्लीनलीनेस ड्राइव्स, असिस्टिंग द एल्डरली विद देयर चोर्स, फीडिंग स्ट्रे एनिमल्स एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये सारे जो वो यंगस्टर्स काम कर रहे हैं ये हमें काफ़ी अच्छा लगता है यंगस्टर्स को ये सब करते हुए देखना एंड वो सोसाइटी को कैसे डेवलप कर रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. ठीक है, तो ये आपने मेंशन किया. देन देयर फीलिंग्स ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड पेट्रियोटिज्म आर एट द कोर ऑफ ऑल देयर एक्शंस एंड डिसीजंस. मतलब वो यंगस्टर ऐसा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वो जानते हैं कि वो इस सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, वो देशभक्त हैं. ठीक है, एंड वो इसीलिए हेल्प कर रहे हैं एंड ये सब काम कर रहे हैं एंड इट इज़ एट द कोर ऑफ ऑल देयर एक्शंस एंड डिसीजंस. दे आर लिविंग अप टू द वैल्यूज इंस्टिल्ड इन देम बाय द ग्रेट लीडर्स ऑफ द पास्ट. दे वर्क हार्ड टिल देयर गोल्स आर अचीव. तो आपने उनको अप्रिशिएट कर दिया यहाँ पर. ठीक है, अब कैसे उनको हम और इनकरेज कर सकते हैं, कैसे हम उनको और ज़्यादा और तरीके बता सकते हैं जिससे वो और ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएँ. सो दैट यू हैव टू टेल, वी कैन इनकरेज द यूथ टू डू मोर फॉर सोसाइटी बाय हैविंग देम वॉलंटियर फॉर कॉजेज दे आर इंटरेस्टेड इन एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस ऑन इशूज़ दैट प्लेग सोसाइटी. मतलब हम जो ऐसे इशूज़ जो सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं हैं, जो टैबू जिन्हें बोला जाता है, तो उन पर बात करी जा सकती है, उनके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करी जा सकती है. ठीक है, या फिर वॉलंटियर किया जा सकता है ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए जिनमें वो इंटरेस्टेड हैं. तो इससे ज़्यादा इससे क्या होगा, इससे जो यूथ हैं वो इंकरेज होंगे और ज़्यादा पार्टिसिपेट करने के लिए एंड सोसाइटी के लिए और ज़्यादा अच्छे काम करने के लिए. ठीक है, तो ये आपको कुछ वेज भी बता देने लास्ट में. ओके, जो सीक्वेंस है वो आपको सेम रखना है. सबसे पहले आपको अप्रिशिएट करना है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं एंड उनको हाईलाइट करना है एंड देन आपने वेज बता दिए एंड लास्ट में आपको अपनी कंक्लूडिंग लाइन लिख देनी है अप्रिशिएशन की, बिकॉज इट इज अ लेटर ऑफ अप्रिशिएशन. सो थ्रू दिस लेटर आई विश टू अप्रिशिएट दीज यंगस्टर्स एंड हाईलाइट देयर मेनी पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस टू सोसाइटी. फिर योर्स ट्रूली नेम पॉली चावला एंड योर डेजिग्नेशन, यू आर अ रेजिडेंट सो यू विल राइट रेजिडेंट. ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेट था. ओके, तो दोनों लेटर्स हमने देख लिए, फॉर्मेट का ध्यान रखना एंड जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी मैंने आपको बता दी. वर्ड लिमिट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वर्ड लिमिट से कम भी नहीं होना चाहिए एंड वर्ड लिमिट को एक्सीड भी नहीं करना, मतलब उसे ज़्यादा वर्ड्स भी नहीं लिखने. ओके, तो लेटर हमने देख लिया. अब हमने लेटर में से आपको एक ही अटेम्प्ट करना था. अब हम एनालिटिकल पैराग्राफ देख लेते हैं. सो वी हैव डन द लेटर, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो फ्रेंड्स, मधु ने आपको लेटर करवा दिए. लेटर में आपके पास दो चॉइस थी और मधु ने आपको दोनों ही करवाए हैं, लेकिन जब एग्जाम में आपको सिर्फ उनमें से एक ही लिखना है. सो फ्रेंड्स, अब हम करने वाले सेकंड पार्ट, रीड द फॉलोइंग एक्सक्रैप्ट फ्रॉम एन आर्टिकल इन अ फैशन मैगजीन. तो ये देखो, एक आपका नॉर्मल पैराग्राफ है यानी कि 100 से 120 वर्ड्स में आपको इस टॉपिक पे पैराग्राफ लिखना है, और एक इसका दूसरा पार्ट है एनालिटिकल पैराग्राफ यानी कि उसमें आपको डेटा दिया जाता है. डेटा आपको ग्राफी फॉर्म में दिया जा सकता है, पाई चार्ट की फॉर्म में दिया जा सकता है, और उसी डेटा पे आपको पैराग्राफ लिखना होता है. तो आपकी चॉइस है, आप इस पे लिखना पसंद करो तो आप इस पे लिख सकते हो, किसी टॉपिक आपको दे दिया जाएगा उस पे आपको पैराग्राफ लिखना है, या फिर आप एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना चाहो आप वो लिख सकते हो. ज्यादातर फ्रेंड्स एनालिटिकल पैराग्राफ को प्रेफर करते हैं. हम इस वीडियो में दोनों ही करने वाले हैं. तो देखो, ये जो आपका पहला पैराग्राफ है कलरिज्म के ऊपर है. कलरिज्म क्या होता है? दिस इज अ टर्म डिस्क्राइबिंग द प्रेफरेंस फॉर लाइटर स्किन, यानी कि जो जिन लोगों की लाइटर स्किन होती है यानी कि व्हाइट स्किन होती है उनको ज्यादा प्रेफर
किया जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, कलरिज्म कहते हैं, जो कि गलत है। एंड सेवरल ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एडवर्टाइजिंग फर्म्स हैव कम अंडर सीवियर क्रिटिसिज्म फॉर सेलिंग ब्यूटी प्रोडक्ट्स दैट प्रॉमिस वाइटर स्किन। जैसे हम देखते हैं ना, मैं टीवी पर ऐड आती है कि आपकी स्किन अगर डार्क है तो आप इसको फेयरर बना सकते हो हमारे इन प्रोडक्ट्स का यूज करके, तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है इससे इनको बहुत क्रिटिसिज्म मिलता है ऐसी कंपनीज को, क्योंकि वो फेयरर स्किन को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज वर्स इज द मैनर इन विच दीज फेयरनेस प्रोडक्ट्स आर बीइंग प्रमोटेड, द पैरेलल ग्राउंड बिटवीन बीइंग फेयर एंड बीइंग सक्सेसफुल। यानी कि अगर आपकी स्किन फेयर है तो तभी आप सक्सेसफुल होगे, आपको और ज्यादा सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे फेयरनेस को सक्सेसफुलनेस मतलब उसको रिलेट किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसी के ऊपर ये पूरा पैराग्राफ है कलरिज्म के ऊपर। अब आप देखो, आपके पास दो चॉइस है, या तो आप कलरिज्म के फेवर में अपना अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर सकते हो, उस पर पैराग्राफ लिख सकते हो। देखो पैराग्राफ आपको कितना लिखना है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 लाइंस से 10 लाइंस आप लिखनी है, 100 से 150 वर्ड्स के बीच में आपका पैराग्राफ होना चाहिए। तो या तो आप फेवर में लिख सकते हो या फिर आप इसके अगेंस्ट में भी लिख सकते हो। सीबीएसई ने आपको दोनों ही पैराग्राफ दिए हैं, इनमें से कोई आप एक चूज करके उस पे पैराग्राफ लिख सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे देखो फेवर में क्या लिखा हुआ है, द डिजायर टू बी ब्यूटीफुल इज नेचुरल, व्हाट इज नॉट नेचुरल इज डिटरमाइनिंग दैट ओनली वन टाइप ऑफ स्किन कलर इज ब्यूटीफुल। हर कोई चाहता है कि ब्यूटीफुल हो, लेकिन आप उससे जज कर रहे हो कि आपकी फेयर स्किन है तो आप ब्यूटीफुल माने जाओगे, और अगर आपकी डार्क स्किन है तो आपको ब्यूटीफुल नहीं माना जाएगा। ये जो कंसेप्ट है ये बिल्कुल गलत है। वी नीड टू बी इंक्लूसिव ऑफ ऑल स्किन टोन्स, चाहे किसी का कोई भी स्किन कलर हो, दैट कैन बी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुलनेस को जज किससे किया जाना चाहिए, उसकी आउटर अपीयरेंस से नहीं, उसकी इनर ब्यूटी पे। ये सब आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे कि लिखा हुआ है, एडिशनली ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप, वी नीड टू स्टॉप इक्वेटिंग लाइट कलर्ड स्किन विद ब्यूटी बिकॉज ब्लैक इज ऑल्सो ब्यूटीफुल। तो यही आपको फेवर में, इस टॉपिक के फेवर में पूरा पैराग्राफ लिखना है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्किन शेड इज देयरफॉर नॉट लॉजिकल, मेनी सच डिस्क्रिमिनेशन हैव बीन डिफीटेड ओवर द पास्ट डिकेड्स। तो इसके अगेंस्ट बहुत से मतलब प्रोटेस्ट भी होते हैं कि ऐसे ही जो लोगों को जज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द स्किन कलर, ये बिल्कुल गलत है। तो ये आपको लिखना है। अब देखो लास्ट लाइन में आप कैसे कंक्लूड कर सकते हो, रियल ब्यूटी इज द पर्सनैलिटी एंड द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, कि उसका करेक्टर कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि वो ब्यूटीफुल है या नहीं है। दैट फोकस शुड लाई ऑन द ब्यूटीफुल फ्रॉम विद इन रादर देन ऑब्सेसिंग ओवर आउटर अपीयरेंस। तो ये आपका फेवर में हो गया। अब इसके अगेंस्ट में भी आप लिख सकते हो, अगेंस्ट में जैसे कि यहाँ पे लिखा है, वी एज अ सोसाइटी हैव ऑलवेज बीन ऑब्सेस्ड विद फेयर स्किन टोन एंड इट इज टाइम टू पुट अ स्टॉप टू दिस। हम एज अ सोसाइटी अगर हम देखें तो हम ज्यादातर प्रेफर करते हैं फेयर स्किन लोगों को, जो कि गलत है। इस पर हमें फुल स्टॉप लगाने की जरूरत है, इसे रोकने की जरूरत है। ठीक है, द प्रीजुडिस हैज बीन अराउंड फॉर वे टू लॉन्ग इंक्लूडेड इन आवर बुक्स मूवीज। हम देखो जैसे एग्जाम्पल दिया है कि स्नो व्हाइट एक बुक थी, उसमें जो स्नो व्हाइट थी, जो एंजल यहाँ पे लिखा हुआ है, स्नो व्हाइट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थ्रस्ट स्ट्रेसिंग ऑन इनर ब्यूटी रादर देन आउटर अपीयरेंस। तो जो मिरर है वो कहते हैं कि कितनी ब्यूटीफुल है, लेकिन वो ब्यूटीफुल उसे किस एस्पेक्ट में बोल रहा है, उसकी आउटर अपीयरेंस के बेसिस पे नहीं, उसके इनर ब्यूटी के बेसिस पे उसे ब्यूटीफुल बोला जा रहा है स्नो व्हाइट को। ये एग्जांपल आपने दे दिया, आपको जो दिमाग में एग्जांपल आता है, आप जब पैराग्राफ को पढ़ रहे हो यहां पे जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही लिखोगे, सेम वर्ड्स का यूज करोगे, सेम सेंस नहीं, जो आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं टॉपिक को सुनते ही वो आपको लिखने हैं, लेकिन ग्रामर का ध्यान रखना, ऐसे वर्ड्स का यूज करना जो थोड़े कैची हो, तो आपका पैराग्राफ उसे आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, फुल मार्क्स तो यहाँ पे पैराग्राफ में नहीं मिलते, हाफ या वन मार्क्स कट जाता है, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप ऐसे वर्ड्स का यूज करो जिनका मीनिंग हो एंड उससे जो चेकर है वो इंप्रेस हो। ठीक है, ये आपने एग्जांपल दे दिया, जैसे स्नो व्हाइट का एग्जांपल दे दिया, थर्स्ट स्ट्रेसिंग ऑन द ब्यूटी रादर देन आउटर अपीयरेंस, फेयर स्किन इंस्टिल्स कॉन्फिडेंस एंड सेट्स अप वन फॉर सक्सेस। तो ये क्या है, इसके अगेंस्ट में है कि भाई फेयर स्किन लोगों को ज्यादा प्रेफर किया जाता है जॉब्स में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जॉब्स का एग्जांपल भी दिया हुआ है, फेयर पीपल सीम टू गेट बेटर जॉब्स, उन्हें अच्छी जॉब्स मिलती डील्स एंड लाइफ पार्टनर, सो इट इज नेचुरल दैट पीपल विल डिजायर टू बी फेयर। तो इसमें आपने अगेंस्ट में लिख दिया, या फिर आप उसके फेवर में भी लिख सकते हो कि कलरिज्म बिल्कुल गलत है, आपकी चॉइस है। अब आगे बढ़ते हो, देखते हैं अपना दूसरा, विच इज एनालिटिकल पैराग्राफ। ज्यादातर फ्रेंड्स एनालिटिकल पैराग्राफ को फेवर करते हैं, तो अब इसे करते हैं। देखो तो यहाँ पे आपको एक पाई चार्ट दिया हुआ है, द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली इज रिप्रेजेंटेड इन द पाई चार्ट शोन बिलो। तो इस पाई चार्ट में आप देख सकते हो कि एक फैमिली अपने महीने का खर्चा कैसे कर रही है, उसका ये डेटा आपको दिया हुआ है। देखो फूड एजुकेशन, ये आपका 30, देखो फूड है, एजुकेशन, उसके बाद हेल्थ केयर है, डॉटेड आपको दिखाया हुआ है, फिर कर्व लाइंस में रेंट दिखाया हुआ है, और ये आपका ट्रांसपोर्ट है, यस, और फिर मिसलेनियस है। ठीक है, तो 20% है। तो ये पूरा पाई चार्ट आपको डेटा दे दिया है। अब इस पाई चार्ट को देख के आपको एक पैराग्राफ लिखना है, उतने 100 से 150 वर्ड्स में, इसमें कुछ भी नहीं, ये इजी होता है क्योंकि इसमें आपको सब कुछ दिया हुआ है। आप लिख सकते हो, देखो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली इज रिप्रेजेंटेड इन द गिवन पाई चार्ट। ठीक है, फूड एंड एजुकेशन मेकअप 30% and 25% सब आपको दिया हुआ है, 30% फूड है, एजुकेशन आपका 25% है।
अब द फैमिली एक्सपेंड द मोस्ट ऑन दीज टू एरिया, और ये भी हमें दिख रहा है कि ज्यादातर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है आधे से भी ज्यादा वो फूड और एजुकेशन पे हो रहा है। तो आपको ऑब्जर्व करने का आपको क्या दिख रहा है इस डेटा में, ठीक है। एंड फिर आप आगे लिख सकते हो, देखो दैट इज 20% विच इज कम्प्राइज ऑफ मनी स्पेंट ऑन बोथ एसेंशियल एंड लग्जरी गुड्स सच एज क्लोथ्स गैजेट्स वेकेशन एटसेट्रा। हेल्थ केयर एंड रेंट टेकअप 10% ईच, ट्रांसपोर्टेशन टेक्स अप लास्ट 5% ऑफ देयर मंथली एक्सपेंस। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा, सब कुछ जो डेटा गिवन है उसको हमने वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया। ओवरऑल द डेटा शोज दैट द फैमिली डज मेंटेन अ गुड बैलेंस ऑन एक्सपेंडिचर आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड। दे हैव स्पेंट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑन एजुकेशन स्पेंडिंग 25% ऑन इट शोज दैट। अब देखो यहाँ पे 25% एजुकेशन पे स्पेंड करना, तो ये हमें दिखा रहे कि जो फैमिली है वो एजुकेशन में मानते कि भाई एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चिल्ड्रन, तो यहाँ पे ये हमें दिख रहा है, ठीक है। गिव्स इट लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस, अबाउट 80% ऑफ द टोटल मनी स्पेंट ऑन लाइबिलिटीज एंड द रिमेनिंग 20% इज स्पेंट ऑन अदर आइटम्स। तो ये जो एसेंशियल आइटम्स है और बाकी 20% जो मिसलेनियस खर्चा हो जाता है जिसका मतलब चेंज होता रहता है, कभी ज्यादा खर्चा हो जाता है ना, कुछ भी एक्स्ट्रा आपने ले लिया, कुछ परचेज करा या उस वो मिसलेनियस में आ जाता है, तो वो 20% कंप्राइज कर रहा है। लेकिन ज्यादातर जो खर्चा हो रहा है वो इंपॉर्टेंट आइटम्स पे हो रहा है जैसे कि फूड, एजुकेशन, रेंट, ठीक है। तो ये आपको लिख देना है। अब कंक्लूजन आप कर सकते हो, इन कंक्लूजन वी कैन से दैट दिस फैमिली स्पेंड्स इट मनी इंडीड, ठीक है। तो भाई जो मंथली एक्सपेंडिचर है फैमिली का वो अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको लिख देना, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। तो ये आपका एनालिटिकल पैराग्राफ हो गया। अब देखते हैं, आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे। तो हमने अपना रीडिंग कर लिया, ग्रामर कर लिया, हमने अपना राइटिंग सेक्शन कर लिया क्रिएटिव राइटिंग वाला। अब आते हैं सेक्शन नंबर सी विच इज लिटरेचर। तो लिटरेचर स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम रेफरेंस टू कंटेक्स्ट वाले क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें देखो, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द टू एक्सट्रैक्ट गिवन, दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन में आपको दो एक्सट्रैक्ट दिए जाएंगे। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है, एक तो आपकी बुक है फर्स्ट फ्लाइट है, पोएम्स है और स्टोरीज है। तो पहले में आपको स्टोरी से रिलेटेड एक्सट्रैक्ट मिलेंगे, दो एक्सट्रैक्ट हैं, दोनों में से आपको सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट को सॉल्व करना है। अभी तो हम दोनों ही करेंगे लेकिन एग्जाम में आपके पास चॉइस होने वाली है, दो एक्सट्रैक्ट में से कोई आप एक एक्सट्रैक्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। स्टोरीज में से एक करना है और पोएम्स में भी आपके पास चॉइस होगी, उसमें से आपको एक एक्सट्रैक्ट अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पहला आपका लेंचो वाले चैप्टर में से विच इज लेटर टू गॉड। तो ये आप पूरा रीड करोगे, सारे आंसर आपको इसी में मिलने वाले, तो कुछ भी मुश्किल बात है ही नहीं। अभी हम क्वेश्चंस पे आते हैं डायरेक्ट। पहला क्वेश्चन है, व्हाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज्ड व्हेन ही रिसीव्ड द मनी। जब लेंचो को 70 पैसों मिले तो वो सरप्राइज्ड क्यों नहीं हुआ, यानी कि उसे खुश होना चाहिए था, लेकिन खुश क्यों नहीं हुआ, रीजन क्या था? बिकॉज़ ही न्यू द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वर काइंड, बिकॉज़ ही न्यू हिज हार्ड वर्क वुड पे ऑफ, बिकॉज़ ही हैड बीन लकी इन द पास्ट, ऐसा तो नहीं है, बिकॉज़ He had faith in higher power, यानी कि उसे God में, भगवान में विश्वास था कि मैंने अगर 100 पैसे मांगे हैं तो मुझे 100 पैसे मिलेंगे, भगवान मुझे भेजेगा। उसे इतना विश्वास था कि जब उसको 70 पैसे मिले तो वो कुछ सरप्राइज नहीं हुआ, जबकि उसने अपना एक दूसरा लेटर लिख दिया कि मेरे जो 30 पैसे रह गया वो भी मुझे भेज दो, ठीक है, डायरेक्ट मुझे लेटर भेज दो, क्योंकि जो पोस्ट के एम्प्लॉयर्स हैं ये पैसे चुरा रहे हैं मेरे, उसका ये कहना था लेंचो का। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड द पोस्टमास्टर मोस्ट लाइकली फील व्हेन ही रेड लेंचो सेकंड लेटर। जो पोस्टमास्टर था उन्होंने तो ये इनिशिएट किया कि हमें ना पैसे कलेक्ट करके कुछ 70 पैसे वो कलेक्ट कर पाए और उन्होंने लेंचो को भेजे वो पैसे, लेकिन लेंचो खुश नहीं हुआ, वो सरप्राइज थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ और उसने वापस दूसरा लेटर भेजा कि बाकी के पैसे भी मुझे भेज दो। तो यहां पे जो पोस्टमास्टर था उसे बहुत सैड फील हुआ होगा, उसे आप लिख सकते हो सैड डिसहार्टेंड उसे फील हुआ होगा। तो इसलिए देखते सीबीएसई ने क्या क्या वर्ड्स यूज किए हैं। देखो आप सैड वर्ड का यूज करोगे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन आप अलग अलग वर्ड्स का यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं। देखो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, डिसअपॉइंटेड, हर्ट, सैड, अपसेट, डिसहार्टेंड, तो इतने सारे वर्ड्स हैं, आप इनमें से कोई एक वर्ड का यूज कर सकते हो, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब आ जाते हैं वापस क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद वन वर्ड ओनली, द पोस्टमास्टर रश टू ओपन लेंचो सेकंड लेटर। अब क्या दिस टेल अस दैट द पोस्टमास्टर वाज डैश टू नो द कंटेंट ऑफ द लेटर। यहां पे पढ़ते आ रहे एक्साइटेड था, वो ईगर था, वो जानना चाहता था कि मैंने 70 पैसे कलेक्ट किए लेंचो के लिए तो पक्का बहुत खुश हुआ होगा, लेकिन जब उसने सेकंड लेटर पढ़ा तो वो बहुत ज्यादा मतलब उसे डिसअपॉइंटेड फील हुआ कि यार ये मैंने 70 पैसे इतनी मुश्किल से कलेक्ट किए और अभी लेंचो कह रहे कि 30 पैसे भी उसे चाहिए, तो ये उससे बहुत अच्छा नहीं लगा। द पोस्ट मास्टर वो पहले बहुत एक्साइटेड था कि सेकंड लेटर में लेंचो ने क्या लिख के भेजा होगा, ठीक है। तो इसका देखो आप आंसर देख सकते हो, एक्साइटेड वर्ड बिल्कुल सही आंसर होने वाला है इसके लिए, ठीक है। ये देखो, He was eager, he was curious, he was excited, he was restless. वो जानना चाहता था कि सेकंड लेटर में क्या लिखा है असल में लेंचो ने। तो अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ। क्वेश्चन है आपका, Why did Lancho's wrinkle his brow when writing the letter? ब्रो है कि आपकी आईब्रो की बात हो रही है, उसने बिल्कुल ऐसे उसने आईब्रोज रिंकल सी कर ली थी, उसका क्या रीजन था? अब एक्सट्रैक्ट एक बार पढ़ो, देखो
मैं आपको एक्सट्रैक्ट पे समझाता हूँ. यहाँ पे कहाँ पे लिखा है, इन विच ही ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, यस यहाँ पे लिखा है ही इज मच रिंकलिंग ऑफ हिज आईब्रो. देखो ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड मेड टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज. आंसर मिल चुका है. वो इतना एफर्ट, मतलब कि उसको इतना अच्छा नहीं लग रहा था कि मैंने 100 पैसे मंगवाए थे लेकिन मुझे 70 पैसे ही आए, तो वो अपने फीलिंग्स को वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसने अपनी आईब्रोज को क्या कर लिया था, रिंकल कर लिया था. ठीक है, तो इसका रीजन आप ऑप्शंस में आप ढूंढ सकते हो. ही वाज नॉट एबल टू पुट हिज थॉट्स इनटू वर्ड्स. बिल्कुल पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है. ठीक है, ही वाज नॉट श्योर दैट गॉड वुड रिस्पॉन्ड अगेन. गॉड, वो तो इतना फेथ था कि गॉड तो रिस्पॉन्ड करेगा ही करेगा. ठीक है, ये नहीं हो सकता. ही वॉज नॉट कंफर्टेबल राइटिंग इन फ्रंट ऑफ द अदर्स, ऐसा भी नहीं है. ही वॉज नॉट एबल टू कैलकुलेट हाउ मेनी पैसोज आर मिसिंग, ऐसा नहीं है. उसने 30 पैसों की डिमांड वापस रखी अपने सेकंड लेटर में. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया. अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते आ जाओ. विच ऑफ दीज यूजेस द वर्ड स्टैम्प विद द सेम मीनिंग एज यूज्ड इन लाइन 5 ऑफ द एक्सट्रैक्ट. यहां पे देखो स्टैम्प वर्ड का यूज हुआ है, ये स्टैम्प वर्ड. यहां पे ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प व्हिच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलप. यानी कि उसने अपना सेकंड लेटर लिखा, फिर उसने विंडो पे गया, वहां से स्टैम्प लिया और उसको पेस्ट करा, थूक से लिख करके उसे पेस्ट किया और फिर उसे सेंड कर दिया. तो यहां पे इस स्टैम्प वर्ड का यूज कौन से सेंटेंस में उसी हिसाब से हुआ, ये आपसे पूछा है. तो देखो साइमन कोड stamp and crush dry twigs with his boots if he had to. नहीं, यहाँ पे उस stamp की बात नहीं हो रही जो आप letter पे लगाते हो ना, stamp की, वो उसकी यहाँ पे बात हो रही है. वो sentence correct answer होगा. Simon has an impressive stamp collection he like to boast of. ये बिल्कुल सही है कि जो Simon है उसे stamps collect करने का शौक है, तो उसने अलग अलग type के stamps collect किए हुए हैं, उसकी collection बनाई हुई है. तो option number B का correct answer होगा, जो letter पे आप stamp लगाते हो. ठीक है, अब ये हो गया. अब और part में, अब देखो आपको आपको कोई एक attempt करना है, लेकिन अभी हम दोनों attempt करने वाले हैं. ये आपने extract कर लिया, अब सेकंड देखते हैं. सो फ्रेंड्स, अब दूसरा एक्सट्रैक्ट करते हैं जो कि हमें ऑप्शन में गिवन है, तो आप वो पहले वाला कर सकते थे या फिर ये वाला. सो दिस एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम द चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. ठीक है, तो ये वाला जो चैप्टर है ये हम कर चुके हैं अच्छे से, तो उसमें से ये एक्सट्रैक्ट गिवन है. क्वेश्चंस हम देख लेते हैं. तो क्वेश्चन है, इन विच ऑफ दीज डज रेडी हैव द सेम मीनिंग एज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्ट. तो इनमें से कौन से सेंटेंस में रेडी वर्ड को सेम तरीके से यूज किया है जैसे कि उसको इस एक्सट्रैक्ट में यूज किया. तो रेडी वर्ड को यहां पर कहां यूज किया, तो यहां पर आप देख सकते हो, मिसेस हॉल वाज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज habits and irritable temper, but the stolen money did not last long and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. उस time पर at the moment उसके पास ready cash मतलब cash नहीं था. ठीक है, at the moment उसके पास cash नहीं था, so he does not have ready cash. ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पर use हुआ है. तो same तरीके से ready word को कौन से sentence में यहाँ पर use किया है. Griffin didn't believe that he was ready to speak, बोलने के लिए तैयार होना वो same way तो यहाँ नहीं है. ठीक है, then the landlord usually got the rooms ready, room को ready करना नहीं, that is also not the same way. Mrs. Hall said that there was a ready supply of food, मतलब food की supply है, at the moment she can supply food, so it is present. So ये यहाँ पर ready word का उसी तरीके से use हो रहा है जैसे कि extract में use हुआ, ready cash, ready supply of food. ठीक है, so option number C आपका answer होगा. The stranger was getting ready, तैयार होना, ये भी गलत है. ठीक है, so option number C. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द एनालॉजी. तो सुटेबल वर्ड का यूज करके आपको एनालॉजी को कंप्लीट करना है. अराइवल, एग्जिट, तो ये एंटोनियम्स हैं, अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स हैं. अराइवल का मतलब कहीं पर आना, एग्जिट का मतलब कहीं से चले जाना, सो ये अपोजिट वर्ड्स हैं. ठीक है, ऐसे ही अब आपको एक अपोजिट वर्ड सिलेक्ट करना है कंपनी का. कंपनी मतलब जब आप किसी के साथ होते हो, किसी का साथ दे रहे हो, वेन यू आर विद समवन, सो दैट इज कंपनी, आई एम गिविंग हिम कंपनी. ओके, तो उसी इस कंपनी वर्ड का अपोजिट वर्ड आपको ढूंढना है एक्सट्रैक्ट में. तो किसी को कंपनी देना, उसके साथ होना, तो इसका अपोजिट वर्ड होगा किसी के साथ ना होना, लोनली होना एक टाइप से. तो वो सेम वर्ड आपको यहां पर ढूंढना है इस एक्सट्रैक्ट में. सो अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वैगिंग. मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड टोल्ड हर माय रीजन फॉर कमिंग टू इपिंग इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड. तो सॉलिट्यूड का क्या मतलब होता है, अ स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, जब अकेले होते हैं, लोनली होते हैं, तो वो सॉलिट्यूड है. ठीक है, तो कंपनी का उल्टा ही हुआ सॉलिट्यूड, कंपनी मतलब किसी के साथ होना, बात करना, एंड सॉलिट्यूड मींस बीइंग अलोन. सो यहां पर ये सॉलिट्यूड वर्ड आ जाएगा बिकॉज इट इज अपोजिट ऑफ कंपनी, एंड ये एनालॉजी ऐसे कंप्लीट हो जाएगी. ठीक है, तो इन दो वर्ड्स की हेल्प से ही आपने ये वर्ड भी सिलेक्ट कर लिया. ओके, थर्ड पार्ट है, विच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट द इन. तो जो इन था जहां पर वो विजिटर, जो मिडनाइट विजिटर, वो रहने के लिए आया था, तो उस इन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है. इट
इट्स लोकेशन वॉज रिमोट, इट्स कस्टमर वर मेनली लोकल्स. ये सही है. अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, वो चैप्टर हमने कर रखा है, तो आपको पता है कि वो इनमें जो मोस्टली जो लोग आते थे वो लोकल पीपल होते थे, वहीं के लोग होते थे. ठीक है. सो द कस्टमर्स वर मेनली लोकल्स. इट वॉज अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ऐसा कुछ नहीं था. इट रिक्वायर्ड रेंट, ऑब्वियसली रेंट तो देना ही. इट रिक्वायर्ड रेंट टू बी पेड इन एडवांस, ऐसा कुछ नहीं था. वो बस वो विजिटर खुद से एडवांस में दे रहा था, बट इट वॉज नॉट अ रूल कि रेंट को एडवांस में पे करना पड़ता था. तो ये भी गलत है. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. इट कस्टमर्स वर मेनली लोकल्स. ठीक है, ये इनके बारे में सही स्टेटमेंट है. Why did the people start talking about the stranger's arrival? तो जो स्ट्रेंजर के आने पर, उसके अराइवल पर लोग क्यों बात करने लगे, क्यों गॉसिप करने लगे. सो सही रीजन आपको सिलेक्ट करना है. बिकॉज ही वॉज मोस्टली क्वाइट, बिल्कुल सही. वो क्वाइट था, किसी से बात नहीं करना चाहता था, अनफ्रेंडली था, तो ये तो बिल्कुल सही है. ही वॉज मीन टू पीपल, स्पेशल वो ऐसे कोई स्पेसिफिकली किसी के साथ मीन नहीं था, वो बस किसी से बात नहीं करना चाहता था. सो दिस विल बी रॉन्ग. बिकॉज ही वॉज इंजॉइंग द स्नो, नहीं, ऐसा कोई रीजन मैंशन नहीं है. बिकॉज ही पेड द इन चार्जेस इन कैश, कैश में पे करना ये कोई अजीब बात तो नहीं है, उस वजह से लोग बात नहीं कर रहे थे उसके बारे में, तो ये भी गलत है. बिकॉज ही वॉज ड्रेस्ड इन अ स्ट्रेंज मैनर, हाँ बिल्कुल सही है. बिकॉज उसके फेस पर वो सारी जो पट्टियाँ थी वो रैप थी, तो वो एक स्ट्रेंज मैनर में, एक अजीब से तरीके में ड्रेस था, तो ये भी एक रीजन था जिस वजह से लोग उसके बारे में बात कर रहे थे. सो फर्स्ट एंड फिफ्थ, बिकॉज ही वॉज मोस्टली क्वाइट एंड ही वॉज ड्रेस्ड इन अ स्ट्रेंज मैनर, तो ये दोनों रीजन सही हैं जिस वजह से लोग उस स्ट्रेंजर के बारे में, उसके आने पर बात करने लगे थे. सो वन एंड फाइव, तो वन एंड फाइव कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए. सो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है, फिफ्थ पार्ट क्या है? मिसेज हॉल वॉज प्रिपेयर टू इग्नोर ग्रिफिन्स रूडनेस एंड वियर्ड बिहेवियर, स्टेट टू रीजंस व्हाई दिस वॉज सो. तो जो मिसेज हॉल थी वो प्रिपेयर्ड थी, मतलब वो मान गई थी कि वो ग्रिफिन के स्ट्रेंज बिहेवियर को एंड उसकी रूडनेस को इग्नोर कर देंगी. ऐसे क्या दो रीजंस थे जिस वजह से मिसेज हॉल उसके स्ट्रेंज बिहेवियर को इग्नोर करने के लिए रेडी हो गई थी? उसकी दो रीजंस आपको बताने हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ये मार्किंग स्कीम में अच्छे से मेंशन भी है, एंड क्योंकि उसने एडवांस में पे कर दिया था एंड वो काफी पेक्यूलियर था इस वजह से. ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स में आपको लिख देना है. बिकॉज शी फेल्ट ग्रिफिन वॉज अ पेक्यूलियर साइंटिस्ट, मतलब अजीब सा स्ट्रेंज साइंटिस्ट है. एंड दूसरा रीजन है कि उसने एडवांस में रेंट पे किया था. तो इन दो रीजंस की वजह से जो मिसेज हॉल थी वो रेडी थी कि वो उसके स्ट्रेंज बिहेवियर को इग्नोर कर देंगी. सो दीज आर द टू रीजंस. तो दोनों को आप ऐसे पॉइंट्स में लिख दोगे. ठीक है, तो ये आपका फिफ्थ पार्ट का भी आंसर हो गया. तो हमने अपने दोनों जो चैप्टर में से एक्सट्रैक्ट थे वो कर लिए. अब हम अपनी पोएट्री करेंगे. सो नाउ लेट्स डू द सेकंड क्वेश्चन. सो फ्रेंड्स, अब अपने हम पोएम वाले एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो हमने अपनी स्टोरीज वाले कर लिए. अब यहाँ पे दो आपके पास एक्सट्रैक्ट है, उनमें से आपको सिर्फ एक ही सॉल्व करना है. अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द टू एक्सट्रैक्ट गिवन, हम दोनों ही करने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं. पहला देखो, पहले आपके हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स वाली पोएम में से एक्सट्रैक्ट गिवन है. आई होप आप सभी ने पोएम्स रीड कर ली होंगी अच्छे से. उनका क्या मीनिंग है हर एक लाइन का वो आपको पता होगा. तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Complete the sentence appropriately. The word discern in line 6 of the extract means the same as. तो भाई देखते हैं कहां पे लिखा है discern. ये रहा आपका सिक्स्थ लाइन में. देखो, विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन येलो ग्राउंड जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न. यानी कि आपको पता लग जाना चाहिए, यू शुड आइडेंटिफाई दैट इट इज अ बंगाल टाइगर. तो इसका डिसर्न का मीनिंग है टू आइडेंटिफाई. अब देखते हैं कि सीबीएसई ने क्या क्या वर्ड्स का यूज करा है. सीबीएसई ने आपको तीन चार वर्ड प्रोवाइड करें, आपका जो मन करे, और भी कोई वर्ड जो आपको लगे यहाँ पे आ सकता है, उसका मीनिंग हो सकता है, वो आप लिख सकते हो. आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे अगर वर्ड अप्रोप्रिएट होगा. तो ये आपका पहला हो गया. देखते हैं इसका, आ जाओ. सो देखो मिस्टर, ये हमने कर लिया है. ये हम पोयम पे हैं. पोयम का पहले का देखो, रिकॉग्नाइज, डिसर्न का मतलब रिकॉग्नाइज हो गया, डिटेक्ट, आइडेंटिफाई. ठीक है, दिस इज द मीनिंग. आप आइडेंटिफाई वर्ड का यूज कर सकते हो जो आपको सबसे इजी लगे. अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. आइडेंटिफाई द ऑप्शन डेट एक्सप्लेन द पोएटिक डिवाइस यूज. पढ़ते हैं. विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन येलो ग्राउंड, यानी कि येलो स्किन है उसके ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स हैं, तो टाइगर की इमेज आपके दिमाग में बन रही है ना, तो कौन सा पोएटिक डिवाइस है? इमेजरी. अब देखो, हुज हाइड विद स्पॉट इज पेपर्ड, यहाँ पे चीता की बात हो रही है, उसमें ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, पेपर्ड होते हैं, तो यहाँ पे एक इमेज हमारे दिमाग में बन रही है जैसे हम इन लाइंस को पढ़ते हैं. तो कौन सा पोएटिक डिवाइस है? इमेजरी. तो अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? अ वर्ड फॉर्म फ्रॉम अ साउंड, नहीं, साउंड की बात नहीं हो रही. अ वर्ड और अ फ्रेज रिपीटेड एट इंटरवल्स, कहीं कोई आपको फ्रेज वर्ड रिपीट होता नहीं दिख रहा है, तो ये भी नहीं है. अ वर्ड और एक्सप्रेशन यूज्ड इन प्लेस ऑफ एन अनप्लीजेंट वन, नहीं. अ वर्ड और फ्रेज दैट क्रिएट्स अ मेंटल इमेज, बिल्कुल, थ्रू द विविड डिस्क्रिप्शन. तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है विदाउट एनी डाउट. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, द एक्सट्रैक्ट टेल अस द सिमिलैरिटीज बिटवीन टाइगर्स एंड लेपर्ड्स. नहीं, यहाँ पे टाइगर्स का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है आपको, येलो ग्राउंड स्ट्रिप्स होती हैं, फिर आपको चीता का डिस्क्रिप्शन दिया रहा है, यहाँ पे कोई उनको सिमिलर दिखाने की कोशिश नहीं की जा रही, तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल फॉल्स है.
False is the answer. Fourth question, देखो, select the appropriate option to complete the sentence. The tone of the poet when telling how to identify a wild animal is both scary. जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर एक बियर जैसे आपको हक करता है, या फिर आप यहाँ पे extract में ही पढ़ लो, extract में देखो क्या लिखा है. With black strips on yellow ground, just notice if he eats you. मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर notice करना, अगर वो तुम्हें खा रहा है ना, तो इसका मतलब वो एक बंगाल टाइगर है. तो एक फनी अंदाज में और एक स्केयरी भी है कि भाई आप एक बंगाल टाइगर आपको खाएगा तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आप अपनी जान बचाने के लिए भागोगे. तो ये सब है, फनी भी है, स्केयरी भी है एट द सेम टाइम. तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्केयरी एज वेल एज फनी. स्केयरी एंड फनी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. अब आगे बढ़ते हैं. एक्साइटिंग, शॉकिंग, सोलफुल, नहीं भाई, इट इज फनी. फिफ्थ है, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट हैज सेम राइम स्कीम. तो राइम स्कीम पहचानना बहुत ही आसान होता है. यहाँ पे देखो, लास्ट वर्ड्स आपको देखने हैं. राउंड यू ग्राउंड यू, तो राउंड ग्राउंड यहाँ पे राइम बन रही है, और यू यू, तो ये अगर मैं इसको ए मानू, ये बी, ये ए, ये बी, सो ए बी ए बी, तो ए बी ए बी इसकी राइमिंग स्कीम है. अब हमें यहाँ पे चार ऑप्शन दिए, चारों में हमें एक पैराग्राफ सा दिया हुआ है पोएम का, और हमें बताने कौन से में सेम यहाँ पे जो आपकी राइमिंग स्कीम है वो दिख रही है. तो याद रखना इसे, ए बी हमारी राइमिंग स्कीम है, तो वही हमें ढूंढना है. सनी फनी, तो ये ए ए हो गया, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, पहले ही देख लो. आई लॉस्ट माय सिटीज, वास्टर कॉन्टिनेंट डिजास्टर, वेस्टर डिजास्टर राइम कर रहा है, कॉन्टिनेंट गेस्टर यहाँ पे राइम नहीं कर रहा, तो ये भी नहीं होगा. अगला, पीपल सैंड लैंड राइम कर रहा है, वे डे ये भी राइम कर रहा है. सो ए बी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी. अब देखते हैं अपना नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट. सो फ्रेंड्स, आपका जो सेकंड एक्सट्रैक्ट है वो अमेंडा पोएम में से. आई होप आप सभी ने पोएम अच्छे से पढ़ ली होगी. क्वेश्चंस आते हैं, पहला क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो. विच ऑफ दीज रिफ्लेक्ट द स्पीकर्स टोन इन द सेकंड स्टैंजा ऑफ द एक्सट्रैक्ट. तो सेकंड स्टैंजा रीड करते हैं. स्टॉप डेट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा. तो यहाँ पे उसकी जो मदर अमेंडा की, वो उसे एक टाइप से डांट रही है उसके बिहेवियर के लिए, ठीक है. एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग दैट यू, नैग यानी कि जब आप किसी के बिहेवियर पर उसे टोकते हो, अमेंडा, ठीक है. तो भैया इसमें टोन क्या है, स्पीकर की टोन क्या है, क्रिटिकल, वरिड, कंसर्न्ड, सिंपैथेटिक, या फिर कमांडिंग. तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें, कमांडिंग तो बिल्कुल है, यहाँ पे कमांड दी जा रही है, तुम्हारा बिहेवियर ऐसा क्यों है, मदर उसे कमांड दे, तो फिफ्थ तो बिल्कुल होगा. एंड यहाँ पे या तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी. अब देखो, फर्स्ट या फिर फोर्थ, क्रिटिकल या फिर सिंपैथेटिक, यहाँ पे कहीं सिंपैथाइज तो उसकी मदर बिल्कुल भी नहीं कर रही है, तो फोर्थ तो हो नहीं सकता. यानी कि करेक्ट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर ए, विच इज 1 and 5, यानी कि क्रिटिकल एंड कमांडिंग. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. Why has line 6 of the extract been referred to as ironical? देखो line 6 क्या, आपकी जो last line है ना, anyone would think that I nagged at you, Amanda. तो यहाँ पे उसकी mother एक तो उसके behavior के लिए उसे टोक रही है, और last line में वो ये भी कह रही है कि अगर तुम ऐसे बात करोगे तो कोई भी सोचेगा कि मैंने तुम्हें डांटा है. मतलब कितना irony कि वो खुद ऐसा कर रही है, उसके behavior पे उसे टोक भी रही है, और ये भी कह रही है उसकी mother, anyone would think that I nagged at you, जबकि वो उसको nag कर रही है, उसके behavior पे उसे टोक भी रही है. तो second जो आपकी last line है, 6th line है, इस ये ironically बोली गई है by the speaker, ठीक है. सो ये आपका reason, देखें CBSE में आपको यही same reason दिया, आप देख सकते हो. देखो, Line 6 of the extract is ironical because the speaker is doing what she says she is not doing. यानी कि वो nag कर रही है, लेकिन वो कह रही है कि I am not nagging at you. तो ये एक irony है, that is nagging Amanda, ठीक है. अब अगला question देखते हैं, हमारा third question. Okay, so third है, identify the reason Amanda says she will never let down her hair. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, I will certainly never let down my bright hair. तो इससे related एक question है आपका. She has very short hair, का रीजन क्या है, अमेंडा क्यों बोल रही है, she has very short hair, she likes her hair a lot, she wishes to be left alone, या फिर ऑप्शन नंबर डी, she awaits her prince charming. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, she wishes to be left alone, वो अलोन रहना चाहती है, इसीलिए उन्होंने लाइन बोली that I will never let down my bright hair, ठीक है. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ है, कंप्लीट द एनालॉजी विद अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट. लाइफ, डेथ, ग्रीनिंग यानी कि मतलब स्माइल करना, जब आप स्माइल करते हो तो इसका यहाँ पे देखो लाइफ का अपोजिट एक टाइप से डेथ है, तो ग्रीन यानी कि जब आप हैप्पी होते हो, तो कुछ सैड से रिलेटेड ही वर्ड होने वाला है. देखते हैं एक्सट्रैक्ट में क्या ऐसा वर्ड हमें मिलेगा. तो देखो, आई विल सर्टेनली नेवर, ये तो ठीक है. स्टॉप डेट सल्किंग, सल्किंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है, जब आप एंग्री होते हो, जब आपको गुस्सा रहा होता है, या फिर आप सैड होते हो, तो ये वर्ड है आपका करेक्ट, विच इज सल्किंग, ठीक है. ग्रीनिंग यानी कि स्माइल करना, इसी का अपोजिट है सल्किंग, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया. अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द sentence in which the word bright is used in a similar manner as line 3 of the extract. तो bright word कहाँ पे use हुआ है, आप extract में देख सकते हो. I will certainly never let down my bright hair. तो अपने hair को bright कहा जा रहा है. तो एक हेयर का एक ऑब्जेक्ट है, लिविंग थिंग नहीं है, तो उसे ब्राइट का जा रहा है, ऑब्जेक्ट को आप अप्रिशिएट कर रहे हो. तो ऐसा ही कुछ आपको सेंटेंस ढूंढना है, ठीक है. मैं आपको मीनिंग बता रहा हूं, आपको हेल्प करेगा देखा सेंटेंस ढूंढने में. अब आप देखो,
शेखर इज अ वेरी ब्राइट चाइल्ड है, एक बहुत मतलब अच्छा पढ़ाई में अच्छा है, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट को आप ऐसा नहीं कह रहे हो, तो ये नहीं हो सकता। रमा लुक ब्राइट एंड क्रिपी टुडे, यहाँ पे भी रमा को ब्राइट कहा जा रहा है, नहीं। बॉबी शर्ट वॉज सो ब्राइट, यहाँ पे शर्ट को ब्राइट बोला जा रहा है एंड चीयरफुल, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसलिए मैंने आपको समझाया। हेमंत हैज सच ब्राइट प्रोस्पेक्ट फॉर द फ्यूचर, नहीं भाई, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ पे जो ब्राइट वर्ड है उसे इन द सेम सेंस यूज किया गया एज इन द एक्सट्रैक्ट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, हमने अपने एक्सट्रैक्ट भी कर लिए, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट वाले क्वेश्चन हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 5 क्वेश्चंस गिवन है, हमें इनमें से सिर्फ 4 ही अटेम्प्ट करने हैं एंड 40 से 50 वर्ड्स में। सो ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है एंड हमें 4 अटेम्प्ट करने हैं, तो टोटल 12 मार्क्स का है ये पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन। ओके सो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द गिवन स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द नेल्सन मंडेलास ड्रीम, अ विनर इज अ ड्रीमर हु नेवर गिव्स अप। तो ये आपका क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में से है एंड आपको इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है, इसको जस्टिफाई करना है नेल्सन मंडेलास के ड्रीम के रेफरेंस में कि एक विनर एक ड्रीमर होता है जो कि कभी भी गिव अप नहीं करता, मतलब जो जीतता है, जो विजेता होता है, जो विनर होता है वो एक ड्रीमर होता है जिसने अपने सपने देखे होते हैं, ड्रीम होता है एंड कभी भी उस पर गिव अप नहीं करता। सो ड्रीमर विनर इज अ ड्रीमर हु नेवर गिव्स अप। तो ये नेल्सन मंडेला की ड्रीम्स के रेफरेंस में आपको इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। दिस इज फ्रॉम योर चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। तो ये प्रूव करना है एक टाइप से आपको। तो यहां आंसर आपको यहां पर गिवन है, ये वैल्यू पॉइंट्स गिवन है। नेल्सन मंडेला ने क्या किया, नेल्सन मंडेला ने उनका ये ड्रीम था कि वो लोगों को लिबरेट करेंगे, आजाद करेंगे गरीबी से, पॉवर्टी से, डिप्रिवेशन, सफरिंग, डिस्क्रिमिनेशन जो जेंडर के बेसिस पर होता था, स्किन कलर के बेसिस पर होता था, अपार्थाइड जो सिस्टम था पूरा उसको वो स्टॉप करेंगे, तो उनके ये ड्रीम्स थे, ठीक है। एंड उन्होंने एक न्यू गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करी, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, स्ट्रगल किया, ठीक है। एंड फाइनली उनके इतने लंबे संघर्ष के बाद, वो 27 ईयर्स जेल में रहे, ठीक है, इतने लंबे संघर्ष के बाद एक न्यू गवर्नमेंट बनी, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी जिसने लोगों के राइट्स को एंड फ्रीडम्स को, सभी लोगों के राइट्स एंड फ्रीडम्स को रिकॉग्नाइज किया रिगार्डलेस ऑफ देयर स्किन कलर, ठीक है। तो ये सब नेल्सन मंडेला ने अचीव किया, ठीक है। एंड उनका ये उनके जो ये ड्रीम्स थे, ही डेयर टू ड्रीम, उन्होंने ये अपने ड्रीम्स देखे, उन्होंने ही डेयर टू ड्रीम मीन्स ही हैड दैट गट्स टू सी दीज ड्रीम्स एंड ही होप्ड फॉर दीज ड्रीम्स एंड देन उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया, उन्होंने इसके लिए संघर्ष किया, स्ट्रगल किया एंड फाइनली उन्होंने अपने इस गोल को, इन गोल्स को अचीव भी कर लिया। ओके सो दैट्स व्हाई अ विनर इज अ ड्रीमर हु नेवर गिव्स अप। तो ये हमने नेल्सन मंडेला के ड्रीम के रेफरेंस में इस पूरे आंसर को एक्सप्लेन कर दिया, ओके उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर दिया। नाउ लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। तो गिव टू रीजंस टू सपोर्ट द ओपिनियन दैट एन्स डायरी इज इंटरेस्टिंग टू रीडर्स। तो हमें दो रीजंस बताने हैं, दो ऐसे रीजंस ये बताने के लिए, ये सपोर्ट करने के लिए, इस ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए कि जो एन की डायरी है वो रीडर्स को इंटरेस्टिंग लगती है, ऐसा क्यों है, इसके दो रीजंस आपको बताने हैं, ठीक है। सो टू रीजंस यू हैव टू टेल। ओके तो यहाँ पर ये मेंशनड है हेयर इन द आंसर कि एन फ्रैंक की जो डायरी थी वो एक पर्सनल अकाउंट है कि एक की फैमिली एक्सपीरियंस कैसा होता है वॉर के टाइम पर, एंड जैसे कि उसकी जो फैमिली थी वो नाजीज से छुप रही थी वॉर के टाइम पर, देवर हाइडिंग ओके फ्रॉम नाजीज ड्यूरिंग द वॉर। तो उस टाइम पर कैसा एक्सपीरियंस रहा उसकी फैमिली का, उसने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी, उसने अपनी भी इन सारी बातों को शेयर किया है, ठीक है। सो ये एन फ्रैंक की जो डायरी है ये एक पर्सनल अकाउंट है, इस वजह से लोगों की जो एन फ्रैंक की डायरी है वो इंटरेस्टिंग लगती है। दूसरा रीजन क्या है, इट इज रिटन थ्रू अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ 13 ईयर ओल्ड गर्ल, इट ब्रिंग्स टू द फोर ऑफ हॉरर्स ऑफ वॉर एंड रेशियल पर्सिक्यूशन एंड पर्सनलाइजेज इट्स इम्पैक्ट। एंड एक और रीजन जिस वजह से रीडर्स को एन फ्रैंक की डायरी इंटरेस्टिंग लगती है, दैट इज बिकॉज ये जो डायरी है ये 13 ईयर ओल्ड गर्ल के पर्सपेक्टिव से लिखी गई है कि एक 13 साल की लड़की क्या एक्सपीरियंस कर रही होगी, कैसे वो देख रही होगी, क्या क्या उसको हॉरर्स होंगे, मतलब डर लग रहा होगा, क्या किस प्रेशर के अंडर वो होगी, क्या वहाँ पर सिचुएशन होगी। तो ये 13 ईयर ओल्ड गर्ल के पर्सपेक्टिव से ये डायरी लिखी गई है, ओके सो दैट्स वाई इस वजह से भी रीडर्स को एन फ्रैंक की डायरी इंटरेस्टिंग लगती है, ठीक है। उस डायरी में बताया गया है कि वॉर से कितना हॉरर है, वॉर के क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या हॉरर्स हैं, ठीक है। रेशियल पर्सिक्यूशन मतलब रेस के बेसिस पर कैसे लोगों को उनका जेनोसाइड किया गया, इतने लार्ज नंबर ऑफ पीपल की डेथ हुई, सो दिस इज शोन एंड पर्सनलाइजेज इट्स इंपैक्ट कि उन पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ा, तो वो पूरा शो किया गया है, वो पूरा बताया गया है डायरी में। सो दैट्स व्हाई आल्सो इट इज इंटरेस्टिंग, ठीक है। रिजल्ट डिफरेंट फ्रॉम
purely historical accounts which include facts and data. Anne's diary presents an account of war through the eyes of a young girl. देखो हिस्ट्री की जो हम बुक्स पढ़ते हैं उसमें मोस्टली डेट्स होती हैं, फैक्ट्स होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, लेकिन एन की जो डायरी है वो एक यंग गर्ल के पर्सपेक्टिव से लिखी गई है, इसीलिए ये डिफरेंट है एंड इस वजह से रीडर्स को ये जो एन फ्रैंक की डायरी है वो इंटरेस्टिंग लगती है. ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसका ये आंसर बता दिया. ओके, सो सेकंड क्वेश्चन भी कर लिया, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन. सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट डज फॉग टेल अस अबाउट द स्पीकर्स रिलेशनशिप विद नेचर, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल फ्रॉम द टेक्स्ट. तो हमने फॉग पढ़ी थी जो पोयम थी हमारी, अब ये आपका क्वेश्चन है, देखते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, आ जाओ. तो हमने पहला दूसरा क्वेश्चन कर लिया, अब थर्ड है व्हाट डज फॉग वाला. इसमें कैसे आप लिखोगे, देखो, इट टेल अस दैट द पोएट इज ऑब्जर्वेंट एंड अल्टरनेटिंग टू हिज सराउंडिंग. यहाँ पे फॉग को कैट से कंपेयर किया गया है, तो मतलब अगर देखो, अगर एक ऐसा पोएट होता जो उसे फॉग बता देता भाई फॉग आती है जाती है, धुंधली होती है, ग्रे कलर होता है, उसको डिफाइन करता, तो पोएम हमें बहुत बोरिंग लगती है. लेकिन यहाँ पर पोएट ने किया गया कि उस फॉग को एक कैट से कंपेयर किया, एक लिविंग थिंग से कंपेयर किया, जिससे जो पोएम थी वो इतनी इंटरेस्टिंग बन गया, हमें पढ़ने में और मजा आता है. तो ये इसका रीजन है. ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि पोएट एक ऑब्जर्वेंट उसका करेक्टर है. ही कंपेयर्स लिटिल कैट फीट टू द फॉग टू मेक इट मोर एंडियरिंग. जो लिटिल कैट के फीट होते हैं पता नहीं चलता कि वो कब यहां से यहां चली गई, इतने उसके मतलब बहुत साइलेंट होता है. वैसे भी फॉग जब आती है हमें पता नहीं चलता फॉग कब आई कब चली गई, तो बिल्कुल उसे कैट से कंपेयर कर दिया गया. तो इससे जो पोएम है कितनी इंटरेस्टिंग बन गई है. जस्ट एज द फॉग कम्स स्टेज एंड लीव साइलेंटली सो डज द कैट. दिस कंपैरिजन क्रिएट्स एन इवोकेटिव इमेज. अब ऐसे वर्ड्स का यूज करोगे तो चेकर ऑब्वियसली इंप्रेस होगा, अगर आप थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड्स का यूज करोगे. ठीक है, तो इस इंप्रेशन बनता है ऑफ अ क्रॉलिंग बेबी ऑन ऑल फोर्स एंड थस गिव द पोएम अ ह्यूमन टच. आपने एक लिविंग बीइंग से कंपेयर किया है बाय कंपेयरिंग द फॉग टू द कैट. अब अगला पॉइंट भी बिल्कुल सेम है, बस वर्ड्स को घुमा फिरा के बात आपको लिख देनी है. द पोएट लिव्स अप द पोएम बाय एडिंग कैरेक्टर टू एन अदरवाइज बोरिंग नेचुरल ऑक्रेस. अगर वो किसी लिविंग बीइंग से कंपेयर ना करता पोएट तो आपकी जो पोएम थी वो बहुत बोरिंग बन जाती, लेकिन पोएट ने क्योंकि कंपेयर किया कैट से, कंपेयर किया उसके पैरों से, उसके पॉज से कंपेयर किया, तो जो हमारी पोएम थी दैट बिकेम इंटरेस्टिंग. Since the cat is a living being and the fog is a natural phenomenon, it is a comparison of a living and a non-living thing of the natural world. तो इसीलिए यहाँ पे इसका हमने बता दिया. अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर यहाँ पे लिखा हुआ है. How do we know that bakers were an integral part of the Goan society? जो bakers थे Goan society के वो बहुत important part थे सभी की life में, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो एक बूढ़ा आदमी हो किसी भी एज ग्रुप में, तो उसी की importance हमें बताने कुछ पॉइंट्स में. ठीक है, तीन पॉइंट्स लिख सकते हो, तीन मार्क्स के क्वेश्चन है, तो देखते हैं. पहला पॉइंट, दे वर लव्ड एंड वार्मली वेलकम्ड इनटू द होम्स बाय द यंग एंड द ओल्ड वन. देखो यहाँ पे यंग बच्चे भी उस ब्रेड को खाना इतना पसंद करते थे और जो ओल्ड वंस थे उन्हें भी वो ब्रेड बहुत अच्छा लगता था, तो उनका उनको वेलकम किया जाता था जब वो उसे बेचने आते थे. ठीक है, द फैक्ट दैट द बेकर्स विजिटेड होम्स एटलीस्ट ट्वाइस अ डे शोज एग्जैक्टली हाउ इंपॉर्टेंट देयर बेक गुड्स वर टू एवरी डे लाइफ थस मेकिंग देम वेरी पॉपुलर फिगर्स. उनकी इंपॉर्टेंस इस चीज से पता चलती है कि उन्हें दिन में दो बार आना पड़ता था, यानी कि उनकी डिमांड जो ब्रेड्स की डिमांड थी वो बहुत ज्यादा थी इन द गोवन सोसाइटी, इसीलिए दिस मेक देम वेरी पॉपुलर फिगर्स. अगला, ब्रेड वॉज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ फेस्टिविटीज, यानी कि इंगेजमेंट होती थी, मैरिज होती, शादियां होती थी, तो वहां पे भी ब्रेड एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था गोवन सोसाइटी का, ये आपको बताना है. इन दोज डेज एंड थस द बेकर वॉज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इवेंट. तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया. अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं. तो आपको टोटल फोर अटेम्प्ट करने, एक आप कोई सा छोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं. फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई द ऑथर डिस्क्राइब्स कूर्ग एज अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड. तो यहाँ पे कूर्ग इतनी नेचुरल प्लेस है, उसकी जो सीनिक ब्यूटी है आपको उसे अप्रिशिएट करना है. ठीक है, दो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए, आप देखो, सीनिक ब्यूटी, वही रोलिंग हिल्स, ग्रेट वेदर, एवरग्रीन, जो आपने अपने चैप्टर में पढ़ा है कि कूर्ग क्या क्या ऑफर करता है एक टूरिस्ट को, वही आपको अप्रिशिएट करना है उसी को. ठीक है, कॉफी प्लांटेशन वहाँ पे देखने को मिलती है, वेराइटी ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स वहाँ पे देखने को मिलती है, अलग अलग वेराइटी की फिशेज वहाँ पे देखने को मिलती है स्ट्रीम्स में, ब्रेव रेस ऑफ पीपल, वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत मतलब ब्रेव उन्हें माना जाता है. जो हमारी आर्मी है उसमें बहुत सारे जो जनरल रह चुके हैं वो कूर्ग से ही बिलोंग करते थे, उनको बिना लाइसेंस की गन रखने की भी परमिशन उन्हें दी गई है. तो ये दिखाता है कि वहाँ के लोग बहुत ब्रेव है, कलरफुल एंड वार्म, उनका कल्चर बहुत कलरफुल है, हैंस अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन कूर्ग यहाँ पे बन जाती है. अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग. तो यहाँ पे आपको तीन क्वेश्चन दिए हैं, 40 से 50 वर्ड्स में आपको आंसर करना है, दो आंसर करने हैं, हर एक क्वेश्चन तीन मार्क्स का है. ठीक है, तो टोटल तीन क्वेश्चन है, दो आपको आंसर करने हैं,
तीन मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो आपको 6 मार्क्स टोटल मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे हम तीनों के तीनों ही अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड मैटलिडास बिलीव दैट शी वॉज एन एरर ऑफ डेस्टिनी। सो क्वेश्चन है, हाउ डिड मैटलिडास बिलीव दैट शी वॉज एन एरर ऑफ डेस्टिनी रिजल्ट इन अ लाइफ टाइम ऑफ सोरो फॉर हर। यानी मैटलिडा क्या मानती थी कि मेरी जो शादी हुई है क्लर्क की फैमिली में हुई है, मैं डिजर्व नहीं करती, मैं डिजर्व करती हूँ किसी राजाशाही परिवार मेरी शादी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या, इसी को हम कहते हैं एरर ऑफ डेस्टिनी, ठीक है। तो ये इसको हमें डिफाइन करना है, और यही जो एटीट्यूड था मैटलिडा का, कैसे इसने उसकी लाइफ को, उसके और उसके हस्बैंड की लाइफ को एक सोरोफुल बना दिया, वो हमें बताना है। तो एन एरर ऑफ डेस्टिनी इज द बिलीफ दैट वन इज मेंट फॉर अ डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ। तो यही था, उसे क्लर्क की फैमिली में शादी हुई थी, एक मीडियम परिवार में उसकी शादी हुई, लेकिन वो चाहती थी मेरी मीडियम लेवल, मैं तो एक राजाशाही परिवार में मेरी शादी होनी चाहिए, ये उसका मानना था। सो इसी को हम एरर ऑफ डेस्टिनी कहते हैं। एंड डज नॉट हैव कंट्रोल ओवर वंस लाइफ और इज अनेबल टू करेक्ट द सर्कमस्टांसेस ऑफ वंस लाइफ, ठीक है। वो कोसती रहती थी कि मेरी शादी यहाँ पे क्यों हुई, मुझे अपने जो डिजायर्स हैं वो फुलफिल मेरे नहीं हो रहे, ठीक है। तो मैटलिडा वॉज बॉर्न एंड मैरिड इन टू अ पुअर फैमिली, शी डिजायर्ड अ लाइफ ऑफ लग्जरी, ठीक है, ये वही हमने बताया। देयर वर कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट विद हर हस्बैंड एज अ रिजल्ट, उसका हस्बैंड ट्राई करता रहता था कि उसकी सारी जो नीड्स हैं और कुछ वॉन्ट्स हैं वो फुलफिल हो, लेकिन फिर भी मैटलिडा की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ती ही जाती थी एज अ रिजल्ट ऑफ हर क्रेविंग फॉर अ लाइफ बियॉन्ड हर मींस, जो कि उसका हस्बैंड अफोर्ड नहीं कर सकता था। सो शी बोरोड अ नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड। अब एक इंसिडेंट, यही हमें इंसिडेंट बताया हुआ है कि एक बार वो अपने किसी दोस्त से नेकलेस बोरो करती शादी में किसी पार्टी में जाने के लिए, और वो अपने उस नेकलेस को खो देती है, फिर बाद में वो उसे नहीं मिलता ढूंढने पर भी, फिर वो क्या करते हैं उस पर एक लोन ले लेते हैं, उसे लोन लेके उसे खरीद के उसके अपनी दोस्त को दे देते हैं, लेकिन उस लोन को चुकाने के लिए वो पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, अपनी लाइफ को इतना सोरोफुल बना लेते हैं, ठीक है। तो यही आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। शी बोरोड अ नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड टू शो ऑफ हर परपेट्रेटेड स्टेटस, वो अपना स्टेटस दिखाना चाहती है मैं कितनी अमीर हूं, ठीक है। एंड एंडेड अप लूजिंग इट, उसने वो खो दिया। देन शी एंड हर हस्बैंड स्पेंड द नेक्स्ट 10 ईयर्स, अपनी लाइफ के 10 साल उन्होंने इस डेब्ट, जो लोन उन्होंने लिया, उसे रीपे करने में लगा दी, विच पुट देम थ्रू ग्रेटर हार्डशिप। मैटलिडास बिलीफ ऑल्सो मेड हर कॉन्स्टेंटली कंपेयर हर लाइफ विद हर रिच फ्रेंड्स एंड पुट प्रेशर ऑन हर सिंपल एंड हार्डवर्किंग हस्बैंड। तो यही हमने कहा कि वो अपने आप को बार बार कंपेयर करती थी अपनी जो अमीर दोस्त थी उसकी, और उस पर प्रेशर आता था उसके हार्डवर्किंग, जो सिंपल हार्डवर्किंग उसका हस्बैंड था, जो उसकी हर एक नीड्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता था। तो ये हमने डिस्क्राइब कर दिया कुछ पॉइंट्स में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द तहसीलदार वॉज एजेंट ऑफ चेंज इन भोली's लाइफ जस्टिफाई। तो तहसीलदार भोली की लाइफ में जो चेंज आया उसमें तहसीलदार ने क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, ये मैं आपको इजी लैंग्वेज में क्वेश्चन समझा दिया। क्वेश्चन जब समझ लिया ना आपने, फिर आंसर बनाने इतना मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि आपको चैप्टर अगर आता होगा तो। तो पहला पॉइंट है, द तहसीलदार चेंज भोली's लाइफ एज ही वॉज द वन हु कन्विंस्ड हर फादर टू सेंड हर टू स्कूल। उन्होंने तो उसके घर जाकर उसके पापा को कन्विंस किया था कि भोली को आप स्कूल भेजो, उसे एजुकेशन दो, जबकि उसकी जो मदर थी वो उसके अगेंस्ट भी थी। भोली's गोइंग टू स्कूल टर्न्ड आउट टू बी द बिगेस्ट ब्लेसिंग ऑफ हर लाइफ। एजुकेशन गेव भोली द कॉन्फिडेंस टू चैलेंज सोशल नॉर्म्स, जैसे कि डोरी हो गया, जब उसकी शादी हुई थी तो दहेज, जब उसके उसका हस्बैंड जब दहेज मांग रहा था, उसकी हस्बैंड की जो फैमिली थी तो उसने बिल्कुल मना कर दिया और शादी को तोड़ दिया, यानी कि शादी नहीं होने दी। तो ये दिखाता है कि एजुकेशन ने कैसे उसकी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा कि वो इन सोसाइटल नॉर्म्स के अगेंस्ट खड़ी हो सकी, ठीक है, उसके अगेंस्ट लड़ सकी एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इविल प्रैक्टिसेस लाइक डाउरी एंड एन अनइक्वल मैरिज। एज एन educated person Bholi knew her worth in society. Bholi's mother did not want to send her to school but her father, uski mummy manti thi ki agar jo ladki hai wo educated hogi to uski shaadi nahi hogi, wo uska manna tha uski mummy ka, theek hai, but her father could not. Lekin tehsildar ne uske papa ko kaha ki aap ise school bhejo, to ab tehsildar ki baat ko uska jo papa tha wo mana nahi kar sakta tha, isliye unhone Bholi ko school bhej diya, theek hai, admit Bholi in the school. To ye aapka answer ho gaya, bahut hi simple language mein humne answer read bhi kar liya. Ab agla question dekhte hain. So ab is question ka third part kar lete hain. To third पार्ट क्या है, बेस्ड ऑन द बुक दैट सेव्ड द अर्थ स्टेट हाउ जंपिंग टू कंक्लूजंस हैड एन अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस फॉर द मार्शियंस। तो जो मार्शियंस थे वो बिना सोचे समझे कंक्लूजंस पर वो जंप कर गए, मतलब उन्होंने अपने कंक्लूजंस निकाल लिए बिना सोचे समझे। तो इनके इसकी कंक्लूजंस पर जंप करने की वजह से उन पर क्या कॉन्सिक्वेंस पड़ा, ये हमें बताना है, जो कि हमने द बुक दैट सेव्ड द अर्थ में पढ़ा था, ठीक है। तो इसका आंसर मार्किंग स्कीम में देख लेते हैं। विदाउट थिंकिंग दिस जंप टू द कंक्लूजन, जो मार्शियंस थे जो मार्स पर रहते थे, तो इसका उन पर क्या कॉन्सिक्वेंस पड़ा, क्या बुरा असर पड़ा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखो, जो थिंक टैंक था उसने हमारी जो कुछ नर्सरी राइम्स थी उनको मिस इंटरप्रेट कर लिया, एंड जब उन्होंने इन्वेजन प्लान किया था अर्थ पर, तो उन्होंने ये सोचा, उन्होंने ये अजम्पशन बना लिया कि जो अर्थलिंग्स हैं वो तो काफ़ी इंफीरियर होते हैं, वो कम एडवांस होते हैं मार्शियंस से, मतलब वो कम एडवांस हैं, हम ज़्यादा एडवांस हैं, उन्होंने ये अजम्पशन बना लिया। एंड देन
उनकी इस इनकरेक्ट इंटरप्रेशन की वजह से, मतलब उनकी ये जो इंटरप्रिटेशन थी, उनकी जो ये अजम्पशन थी, ये सही नहीं थी. तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, जो मार्शियंस थे उन्होंने अर्थ को जल्दी से छोड़ दिया एंड उन्होंने मार्स को भी इवैक्यूएट कर दिया. ठीक है, अर्थ को भी छोड़ के वो चले गए जल्दी से एंड उन्होंने मार्स को भी खाली कर दिया. तो उन्होंने कंक्लूजन्स पर वो जल्दी जंप कर गए, इस वजह से उनको ये कॉन्सिक्वेंस झेलना पड़ा. ठीक है, उन्होंने नर्सरी राइम्स को, थिंक टैंक ने नर्सरी राइम को, कुछ नर्सरी राइम्स को मिस इंटरप्रेट किया. ओके, एंड देन उनकी जो इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन थी, इस वजह से मार्शियंस को सबसे पहले तो अर्थ को ही छोड़ के जाना पड़ा एंड देन मार्स को भी इवैक्यूएट कर दिया. सो दे जंप टू द कंक्लूजन्स वेरी फास्टली एंड देन ये कॉन्सिक्वेंसेज उन्हें झेलने पड़े. ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट हमने देख लिया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सो फ्रेंड्स, अब आपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं. इसमें टोटल देखो दो क्वेश्चंस हैं, आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको अच्छा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन का. हम दोनों ही क्वेश्चन करेंगे, आपको एग्जाम में सिर्फ एक ही अटेम्प्ट करना है. ठीक है, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन होने वाला है. पहला पढ़ते हैं भाई. कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट व्हाट एनी फ्रॉम द पोएम एनी ग्रेगरी वुड लुक इन अ लाइफ पार्टनर एज कंपेयर टू नताली. अब देखो एक ही क्वेश्चन में दो, एक पोएम और एक स्टोरी का क्वेश्चन पूछ लिया है, तो आप देख रहे हो कि क्वेश्चन सिंपल नहीं पूछेंगे, थोड़ा घुमा के तो आपसे पूछा जाएगा फ्रॉम द प्रपोजल. तो अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है एनी ग्रेगरी और नतालिया में. ठीक है, एनी ग्रेगरी फ्रॉम द पोएम एनी ग्रेगरी एंड नतालिया फ्रॉम द स्टोरी ऑफ प्रपोजल. ठीक है, जस्टिफाई और आंसर विद वन एग्जाम्पल फ्रॉम ईच ऑफ द टेक्स्ट. आंसर आप पढ़ सकते हो, आपको एनी और नतालिया की जो आपको उनका कैरेक्टर है उसे डिस्क्राइब करना है. बेसिकली एनी एंड नतालिया हैव वेरी डिफरिंग व्यूज ऑन व्हाट दे वुड लुक फॉर इन अ लाइफ पार्टनर व्हाइल एनी इज लुकिंग फॉर ट्रू लव. वो मानते हैं कि यार मैं कैसी दिखती हूं, मेरे येलो बाल है, मैं सुंदर हूं, वो ना देखते हो मेरा जो पार्टनर है वो देखे कि मैं अंदर से कितनी ब्यूटीफुल हूं, मैं क्या सोचती हूं, उसकी क्या उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है बेसिकली. ठीक है, उसे देखकर उसे कोई उसका जो लाइफ पार्टनर है उसे प्यार करे, ये उसका कहना था एनी का. वही नतालिया का अलग पर्सपेक्टिव था, वो हम आगे रीड करेंगे. ठीक है, सो इट लुकिंग फॉर अ सोशल. अब देखो व्हाइल एनी इज लुकिंग फॉर ट्रू लव इट वुड बी सीम लाइक नतालिया looking for social mobility and security. वो लोमोनोव के साथ लड़ाई कर रही थी जमीन के ऊपर, तो इससे दिखता है कि वो true love नहीं देख रही थी, वो economical things या इसमें ज़्यादा उसका interest था. ठीक है, she was not finding true love. Any would love for a life, would look for a life partner who is sincere and not superficial, would color her hair such that she could find someone to love her for who she was. यानी कि वो कौन है उस पे उसे देखकर उसे कोई प्यार करे, ना कि हाउ शी लुक, वो कैसी दिखती है, उसके बाल कैसे हैं, क्योंकि बाल का कलर येलो है वो ब्लैक हो सकता है, चेंज हो सकता है, लेकिन एक बंदे का जो करेक्टर है डेट कुड नॉट बी चेंज, उसे देखकर उसे प्यार करना चाहिए. ये एनी का कहना था. नतालिया does not seem to truly love or feel affection for Lomov and seems to constantly argue with Lomov. बार बार लड़ाई कर रही थी लोमोनोव के साथ about who owns a piece of land, एक लैंड के पीस पर लड़ाई कर रही थी. तो दिख रहा है कि भाई वो ट्रू लव सर्च नहीं कर रही थी जो नतालिया थी. और whose dog is better but still agrees to marry him, seems to primarily agree to get married for economic reason. जो लोमोव था वो अमीर था, इस रीजन की वजह से वो उसे शादी कर रही होगी. तो ये हमें यहाँ पे दिख रहा है एनी एक ट्रू लव की सर्च कर रही थी, वही नतालिया सिर्फ सुपरफिशियल थिंग्स को ज्यादा प्रायोरिटी दे रही थी. ठीक है, सो अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया. अब इसका और पार्ट में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आपको सिर्फ एक ही अटेम्प्ट करना है एग्जाम में. तो दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ द सेटिंग ऑफ अ स्टोरी और अ पोएम कैन एनहांस इट्स प्लॉट विद रेफरेंस टू डस्ट और स्नो एंड टी फ्रॉम असम. यानी कि एक स्टोरी या फिर एक पोएम में आप कैसे जो थिंग्स है, जैसे कि मान लो आप कहीं नेचर से रिलेटेड कोई, मतलब जैसे स्टोरी जैसे टी फ्रॉम असम, तो जब जा रहे हो उसने ट्रेन में उसने देखा खिड़की से भाई यहाँ पे टी प्लांटेशन है, उसे डिस्क्राइब करा, तो ये डिस्क्रिप्शन से कैसे स्टोरी का एक भाव ही बदल जाता है, उसकी इंपॉर्टेंस आपको समझानी है. ठीक है, तो देखो हाउ सेटिंग अप एनहांस अ प्लॉट. सेटिंग इज वन ऑफ द 5 एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ प्लॉट बी इट अ स्टोरी और अ पोएम. इट सेट्स द टोन. एक मतलब एक हमारे माइंड में एक इमेज सी बन जाती है और हमें पोएम या फिर उस स्टोरी को पढ़ने में और ज्यादा मजा आता है. ठीक है, जब प्लॉट अच्छा होता है, जो पोएट ने या फिर जो हमारा राइटर है उसने अच्छे से उसे लिखा होगा. एंड मूड ऑफ एनी पीस ऑफ राइटिंग, द पोएम टॉक्स अबाउट हीलिंग एमिडेस्ट नेचर. व्हेन वी एक्सपीरियंस गुड वेदर इट अपलिफ्ट आवर मूड एंड वी आर कामर इन अ मोर रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड. ठीक है, इन द स्टोरी द अराइवल ऑफ असम सेट्स द टोन फॉर द रेस्ट ऑफ द स्टोरी. की भाई वो ट्रेन से जा रहे होते हैं, जो राजवीर है वो कितना ज्यादा एक्साइटेड है, वो टी प्लांटेशन को देख रहा है, साथ वो बुक भी पढ़ रहा है असम की टी प्लांटेशन के बारे में, तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था. तो इससे हमें और भी मजा आता है कि भाई जो कैरेक्टर है अगर वो एक्साइटेड होता है तो हमें पढ़ने में भी मजा आता है. तो ये बहुत बेसिक चीज है, ये आपने लिख दिया यहाँ पे. हाउ राजवीर फील्स रिएक्ट टू थिंग्स इज एक्साइटेड एंड ओवरवेल्म्ड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज नेचुरल सराउंडिंग्स. ठीक है, जब वो ट्रेन में जा रहा होता है. डस्ट ऑफ स्नो की बात करते हैं. अ क्रो एक्सीडेंटली स्प्रिंकल्स, देखो सम स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री ऑन द पोएट, द स्नो इमीडिएटली चेंजेस हिज मूड फॉर द बेटर, ही फील्स हैप्पियर एंड स्टार्ट्स अप्रिशिएटिंग नेचर मोर बिकॉज
बिकॉज, तो यहाँ पे जो हमारे ओमन्स होते हैं कि भाई जो कौआ है या फिर जो हेमलॉक ट्री है, ये तो हमारे अगर ये हमें दिख जाए या फिर बिल्ली रास्ता काट जाए, तो ये जो सुपरविशल थिंग्स है इन पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। ये यहाँ पे पोएट का कहना है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमारे पोएट है उनका ये मानना है। तो यहाँ पे क्रो को एक सिग्निफाई किया गया, एक हेमलॉक ट्री है, तो इससे हमारे माइंड में एक इमेज बन रही है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एक पोएम या फिर एक स्टोरी का। क्रोज एंड हेमलॉक ट्री आर बोथ व्यूड एज एन इनऑस्पिशियस, यानी कि उन्हें बैड ओमन्स माना जाता है इन दोनों को ही, बट द पोएट इज एबल टू शो देम इन अ पॉजिटिव लाइट, कि उस क्रो और उस हेमलॉक ट्री की वजह से जब क्रो उड़ा तो एक डस्ट ऑफ स्नो उसकी शोल्डर पे गिरी, तो उसे कितना अच्छा फील हुआ, उसका जो दिन था वो अच्छा नहीं जा रहा था। लेकिन जब ये हुआ, जब ये इंसिडेंट हुआ, जब क्रो की वजह से दूर डस्ट ऑफ स्नो हेमलॉक ट्री से उस पोएट के ऊपर गिरी, तो उसका मूड एकदम से इनलाइटन हो गया, वो खुश हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो हालांकि हम इन्हें बैड ओमन्स कहते हैं, लेकिन इसने पोएट के दिन को और अच्छा बना दिया, तो ये यहाँ पे पोएट हमें मैसेज देना चाहता है। ठीक है, हिज परसेप्शन हैज चेंज, द नेचुरल सेटिंग ऑफ द पोएम मेक्स इवन क्रिस्टल ऑफ स्नो हैविंग अ बिग इंपैक्ट ऑन द पोएट। तो बहुत अच्छे से यहाँ पे पोएट ने इसे डिस्क्राइब किया है, ये हमने अप्रिशिएट कर दिया। टी फ्रॉम आसाम, तब यहाँ पे दो पॉइंट्स में और आंसर हम देखते हैं, वो तो हमने प्लॉट के बारे में, देखो पहले पैराग्राफ में आपने क्या बताया जो प्लॉट है उसकी इंपॉर्टेंस होती क्या है, फिर दूसरे में आपने डस्ट ऑफ स्नो का डिस्क्राइब किया, अब अगले में आप टी फ्रॉम आसाम का डिस्क्राइब कर रहे हो दो पॉइंट्स में। राजवीर इज विजिटिंग प्रांजोल हाउस इन आसाम, प्रांजोल आसाम का ही रहने वाला है, लेकिन जो राजवीर है वो अपने दोस्त के साथ आसाम जा रहा है। ठीक है, उसके क्योंकि वो अपनी फैमिली से मिलने जा रहा है प्रांजोल, उसके साथ राजवीर भी गया है। ड्यूरिंग द समर वेकेशन ही हैज रेड अप अबाउट आसाम, इट्स वेदर, सीनिक ब्यूटी एंड टी गार्डन, ही शेयर हिज रिसर्च वर्क विद प्रांजोल एंड हिज फादर। तो ये आपने लिख दिया, सब कुछ स्टोरी में हमें गिवन है ऑलरेडी। अगला पॉइंट है वाइल्ड ट्रेवलिंग, अब वो जब जा रहा होता है तो ट्रेन में वो जो जो देखता है, जो जो ऑब्जर्व करता है, वो उसे डिस्क्राइब कर रहा है अपनी स्टोरी में, तो वो पढ़ने में बहुत मजा आता है। ही पासेस सेवरल टी एस्टेट्स, ही सीज दैट द ब्यूटीफुल ग्रीन कवर अराउंड हिम हैज रिजल्टेड इन कूलर वेदर। तो ये आप पढ़ रहे हो, अगर आपको मीनिंग समझ आता है तो बहुत अच्छा लगता है, हमारे माइंड में भी इमेज सी बन जाती है कि यार टी गार्डन्स होंगे, बहुत अच्छा वेदर होगा। सो ये हो गया, इंक्रीजेस हिज एक्साइटमेंट एंड मेक्स हिम ट्रूली हैप्पी, ही इज फ्रॉम द सिटी वेयर देयर इज नॉट इनफ ग्रीन कवर। तो वहां पे इतना आसाम में जहां पे राजवीर रहते हैं वहां पे इतनी सीनिक ब्यूटी नहीं देखने को मिलती होगी। ठीक है, एंड द वेदर इज वार्मर, अ चेंज इन लोकेशन मेक्स थिंग्स मोर एक्साइटिंग एंड अपीलिंग टू हिम। तो ये हमने कर दिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 टू 120 वर्ड्स। सो अभी हमने 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपने आंसर कर दिया, उन दोनों में से कोई एक आपको आंसर करना है। अब यहां पे वापस आपको दो क्वेश्चन दिए हैं, एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, 6 मार्क्स आपको उसके मिलेंगे। ठीक है, तो हम दोनों अटेम्प्ट करेंगे ऑब्वियसली। पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई, आ जाओ। सो ये तो आपको कुछ ये बताया कि आपको 6 मार्क्स में क्या क्या लिखना है, ये आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है सीबीएसई ने। ठीक है, लेकिन हम अभी डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। तो देखो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, बेस्ड ऑन अ ट्रायंफ ऑफ सर्जरी स्टेट हाउ मिस पम्फ्रे डिड मोर हार्म देन गुड टू ट्रिकी। देखो हम जानते हैं मिस पम्फ्रे अपना डॉग जो उसका ट्रिकी था वो उसका भलाई चाहती थी, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही उसे ओवर पैम्पर कर रही थी, कुछ ज्यादा ही उसकी टेक केयर कर रही थी, ज्यादा उसे खाना खिला रही थी, उसका अलग से बेड था, उसके अलग टॉयज थे, तो ओवर पैम्परिंग उसकी कर रही थी, जिस वजह से ट्रिकी की हेल्थ और ज्यादा खराब हो गई। और फिर यहाँ पे हमारा रोल आता है, जो हमारे पोएट्स थे, जो हमारे वेट थे, वेटरनरी सर्जन थे, जिनका नाम था डॉक्टर हेरियट, तो उनका फिर रोल हमें पता चला। तो अब देखते हैं इसका आंसर हम कैसे करेंगे। इंट्रोडक्शन में आप लिखना है, मिस पम्फ्रे नीडेड टू बी अ मोर रिस्पॉन्सिबल पेट पेरेंट सो दैट ट्रिकी कुड हैव बीन अ हेल्दियर पेरेंट। देखो वो उसकी टेक केयर करती थी, लेकिन वो ज्यादा ही टेक केयर करती थी, ओवर पैम्पर उसे करती थी। इस पॉइंट पे हमें यहाँ पे जोर देना है। ठीक है, मिस पम्फ्रे ओवर इंडल्जेंट, ओवर पैम्परिंग उसी कर रही थी, फुलिश, एंग्जियस, वीक हार्टेड, लविंग, टेंडर, वार्म, केयरिंग। तो इन वर्ड्स का आपको यूज करके यहाँ पे पॉइंट्स बनाने हैं, ये आपको सीबीएसई कह रहा है। ठीक है, कि वो केयरिंग थी, वो लविंग थी, वो अपने पेट को, अपने ट्रिकी को बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन वो उसे ज्यादा ही पैम्पर कर रही थी, उसे ज्यादा ही खाना दे रही थी, जो उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं था। ओवर इंडल्जेंस कुड हैव प्रूवन फैटल फॉर ट्रिकी, मिस्टर हैरियट इंटरवेंशन सेव ट्रिकीज लाइफ। फिर मिस्टर हैरियट का रोल आता है, और वो जब उसे अपने हॉस्पिटल लेके गए, फिर वो बिल्कुल ठीक हो गया। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने उसे ना खाना दिया, उसे कम खाना दिया, कहा कि तुम खेलो अपने जो दूसरे डॉग्स हैं इनके साथ खेलो तुम, तो इससे उसकी हेल्थ और ज्यादा फिर अच्छी हो गई। तो ये यहां पे हो गया। कंक्लूजन में लिखोगे, इवन दो हर इंटेंशंस वर गुड, जो मिस पम्फ्रे थी वो अपने डॉग का बुरा नहीं चाहती थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि ओवर पैम्परिंग इज नॉट अ गुड थिंग, एंड शी मेंट नो हार्म, अननोइंगली शी कॉज्ड ग्रेट हार्म टू हर बिलव्ड पेट ट्रिकी, इफ शी डिडंट इंडल्ज एंड स्पॉइल ट्रिकी ही वुड हैव बीन बेटर ऑफ। ठीक है, अगर वो उसे मॉर्निंग वॉक पे लेके जाती, उसे थोड़ा मतलब फिजिकल एक्सरसाइज करवाती, तो शायद उसकी वो इतनी बुरी हालत ना होती ट्रिकी की। तो ये हो गया। अब आगे
करते हैं और देखते हैं अपना और पार्ट में जो दूसरा क्वेश्चन है। सो अब इसी क्वेश्चन का ऑप्शनल वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, या तो आप ये करोगे या फिर ये दूसरा वाला क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द ट्विस्ट इन द प्लॉट इन द मिडनाइट विजिटर, एनालाइज हाउ फाउलर्स ओपिनियन ऑफ ओसेबल मस्ट हैव अंडरगॉन अ चेंज आफ्टर द प्लॉट ट्विस्ट। तो देखो, मिडनाइट विजिटर वाला जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें जो प्लॉट ट्विस्ट आया वो हमें डिस्क्राइब करना है एंड हमें बताना है कि कैसे जो फाउलर का ओपिनियन है ओसेबल को लेकर वो पहले जो था वो अलग था लेकिन बाद में प्लॉट ट्विस्ट के बाद जो फाउलर का ओपिनियन था ओसेबल को लेकर वो चेंज हो गया। तो इसको हमें डिस्क्राइब करना है। तो देखो, मिडनाइट विजिटर में हमने जो प्लॉट ट्विस्ट हमने देखे, पहला ट्विस्ट तो ये था कि जो वेटर था, ठीक है, जिसने दरवाजे पे नॉक किया था वो वेटर था, इट वाज नॉट पुलिसमैन, ओके। एंड देन दूसरा जो सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट था दैट वाज कि रूम में कोई बालकनी थी ही नहीं लेकिन ओसेबल ने बिलीव करवा दिया था मैक्स को कि बालकनी है एंड दैट्स व्हाई ही जंप्ड एंड डाइड, ओके। तो ये दो बड़े प्लॉट ट्विस्ट थे जो हमने चैप्टर में देखे। एंड पहले तो जो फाउलर था वो ओसेबल को लेकर बहुत ही अनइम्प्रेस था, मतलब उसको बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था, वो जो ओसेबल था वो बिल्कुल एक टिपिकल डिटेक्टिव की तरह नहीं था एंड जो डे था वो भी काफी बोरिंग चल रहा था। लेकिन जब वो मैक्स गन लेकर आया एंड ओसेबल ने अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके कैसे मैक्स को आउटविट कर दिया एंड देन फाइनली दे गेट रिड ऑफ हिम, तो इस वजह से जो फाउलर है फिर वो ओसेबल के लिए ओसेबल से इंप्रेस हुआ एंड उसके मन में रिस्पेक्ट डेवलप हुई, तो जो ओपिनियन था उसका वो चेंज हो गया, ओके। तो इसी को हमें डिस्क्राइब करना है आंसर में। तो आंसर मार्किंग स्कीम में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, प्लॉट ट्विस्ट हमें सबसे पहले डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहला, द नॉक ऑन द होटल रूम डोर वॉज नॉट रियली अ पुलिसमैन, पुलिसमैन नहीं था, इट वॉज अ वेटर हु हैड बीन आस्क्ड टू ब्रिंग अप ड्रिंक्स। तो ये पहला प्लॉट ट्विस्ट था। दूसरा, द रूम डिड नॉट हैव अ अटैच बालकनी, उसमें अटैच बालकनी नहीं थी एज डिस्क्राइब बाय ओसेबल। सो व्हेन मैक्स स्टेप्ड आउट ही वॉज इंजर्ड सिंस ही लैंडेड ऑन द हार्ड ग्राउंड बिलो इंस्टेड ऑफ अ बालकनी, ठीक है, ही जस्ट लैंडेड ऑन द ग्राउंड क्योंकि बालकनी थी ही नहीं, ओके। द अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एट द एंड मेड द स्टोरी मोर एक्साइटिंग, अनप्रिडिक्टेबल एंडिंग एंड अनप्रिडिक्टेबल प्रोटैगनिस्ट, ठीक है। तो ये जो लास्ट में जो अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट था ना बालकनी ना होने का, ये हमें लास्ट में ही पता चला क्योंकि हम भी बिलीव करते जा रहे थे लेकिन लास्ट में ही हमें ऐसा पता चला। तो ये लास्ट में जो अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आया इससे जो स्टोरी थी वो और ज़्यादा एक्साइटिंग हो गई और ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल उसकी एंडिंग हुई, ठीक है। तो ये प्लॉट ट्विस्ट था। अब फाउलर का ओपिनियन या फाउलर का जो इंप्रेशन था ओसेबल को लेकर वो कैसे चेंज हुआ। तो ओसेबल पहले तो किसी भी टिपिकल डिटेक्टिव स्पाई की तरह बिल्कुल नहीं था एंड फाउलर बहुत ही अनइम्प्रेस था, ठीक है, उससे, बिकॉज उसने मूवीज में प्लेज में जैसे डिटेक्टिव्स को देखा है जैसे वो बड़ी मिस्टीरियस से होते हैं, कैप पहनते हैं, ठीक है, एंड दे ड्रिंक एंड दे स्मोक, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, तो ही वॉज वेरी अनइम्प्रेस्ड। देन जो डे था वो भी बहुत ही ऑर्डिनरी बोरिंग सा था एंड उसमें कुछ भी ऐसे इंटरेस्टिंग या कोई थ्रिलिंग एडवेंचरस चीज़ नहीं हो रही थी, ठीक है। ओसेबल का जो इंट्रैक्शन था मैक्स के साथ एंड कैसे ओसेबल ने अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके उसको आउटविट कर दिया, तो इससे जो फाउलर है वो इंप्रेस हुआ, इट मेड हिम रियली इंप्रेस्ड, रियलाइज दैट फर्स्ट इंप्रेशंस कुड बी रॉन्ग, एंड इससे फाउलर को रियलाइज हुआ कि हमें किसी को देखकर जज ऐसे नहीं करना चाहिए, फर्स्ट इंप्रेशन से हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए, वी शुड नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, ठीक है। तो ये फाउलर ने रियलाइज किया फर्स्ट इंप्रेशन शुड नॉट बी द लास्ट इंप्रेशन, या फिर ये यहाँ पर ये ऑप्शन है, मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो इसमें, ये जो स्लैश में लिखा हुआ है, ओके, बाय टेलिंग अ believable story to create a trap, ठीक है। तो समराइज कैसे करोगे, वाइल फाउलर वॉज इनिशियली डिसअपॉइंटेड एंड अनइम्प्रेस्ड बाय ओसेबल, पहले इनिशियली तो वो डिसअपॉइंटेड था, इंप्रेस्ड बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जो उसका ओपिनियन है वो मोस्ट लाइकली, मतलब चांसेस है कि वो उसका जो ओपिनियन है वो चेंज हो ही गया बिकॉज एंड उसके मन में रिस्पेक्ट डेवलप हुई और डेवलप हुआ, एडमिरेशन डेवलप हुई फॉर ओसेबल बिकॉज ही वॉज एबल टू आउटविट मैक्स, ठीक है। तो ऐसे आप अपने आंसर को समराइज करोगे, ठीक है। तो इसमें हमने प्लॉट ट्विस्ट बता दिए दोनों के दोनों, हमने फाउलर के ओपिनियन में कैसे चेंज आया वो हमने पूरा डिस्क्राइब किया, लास्ट में थोड़ा सा समराइज कर देना, ठीक है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, इसका भी हमने आंसर देख लिया, इसमें से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना था, दोनों हमने देख लिए, ठीक है। तो हमने अपना इंग्लिश का जो सैम्पल पेपर है वो इंग्लिश का ये जो प्रैक्टिस पेपर था ये पूरा अच्छे से हमने कंप्लीट कर लिया, हमने रीडिंग सेक्शन, फिर ग्रामर, फिर राइटिंग सेक्शन एंड लिटरेचर, सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया, ओके। वी होप दैट यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।